टाइम की फैन गर्ल्स प्रोपाई पे अटैक करने वाली थी, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट पार्ट 14 से पहले पार्ट 13 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पूपा उन्हें देख लेता है और भागकर शाह उन फैन गर्ल्स को रोक देता है। फिर वो लड़कियों को ऐसा गलत काम आगे ना करने के लिए वॉर्न करता है। गर्ल्स कहती हैं, जब तेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो हमारे टाइम के साथ फ्लर्ट क्यों करती है, बेशर्म कहेंगी। टाइम कहता है, एक सेलिब्रिटी को लाइक करना कोई गलत नहीं है, पर अगर तुम किसी और को ऐसे हर्ट करती हो तो तुम्हें मुझे लाइक करने की ज़रूरत नहीं, जाकर अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। पर वो गर्ल्स तो प्रपाई को मारने लगी थीं, तो टाइम और पूपा प्रपाई को बचा रहे थे। धक्का मुक्की से एक फैन गर्ल गिर जाती है, तो सबकी सब गर्ल्स टाइम पर ही उल्टा दोष लगाने लगी थी कि उसने ही उसे गिराया है। पर टाइम कहता है, मैंने धक्का नहीं मारा, और पूपा प्रपाई को अपनी कार में ले जाता है। प्रपाई कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम्हारी फैन गर्ल्स काफ़ी गुस्से में थीं, हमें उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। टाइम कहता है, अगर वहाँ हम थोड़ी देर भी रुकते तो काफ़ी डेंजरस हो सकता था। वैसे क्या तुम ठीक हो, पूपा पूछता है। प्रपाई, आर यू ऑल राइट, वो कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो ना, वो हाँ करता है। बट टाइम काफ़ी गुस्से में लग रहा था, क्योंकि वो दोनों तो ठीक थे, चोट तो बेचारे टाइम को लगी थी। प्रपाई पूपा को टाइम के लिए मेडिसिन लाने कहती है, तो वो चला जाता है। वो टाइम से कहती है, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। वो कहता है, मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी सॉफ्ट और स्मूथ सी स्किन पे निशान बन गया। वो कहती है, तो मैं माफ़ी पाने के लिए क्या करूँ। वो कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो कहती है, क्या तुम प्लीज़ मेरा मजाक उड़ाना बंद करोगे। देन टाइम वॉज लाइक, मुझे तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। इतने में पूपा मेडिसिन लेकर आ जाता है और खुद ही टाइम के मेडिसिन लगाने लगा था, ताकि प्रपाई को टाइम के मेडिसिन ना लगानी पड़े, और कहता है, आगे से प्रपाई से पंगा मत लेना। वो कहता है, तो क्या मिस्टर इंटर्न। वो कहता है, चिंता मत कर, मुझे प्रपाई का रियल बॉयफ्रेंड बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो टाइम काफ़ी परेशान दिख रहा था। मॉर्निंग में प्रपाई को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जो प्रपाई से उसकी और टाइम वाली र्यूमर्स के बारे में पूछ रही थी। प्रपाई कहती है, वो र्यूमर अभी तक ख़त्म नहीं हुई क्या। फ्रेंड कहती है, अरे उसको तो सदियां बीत गई, अभी एक और लेटेस्ट न्यूज़ आई है, तूने पढ़ी नहीं क्या, जल्दी पढ़, मैं लिंक भेज रही हूँ। प्रपाई न्यूज़ देखती है, जिसमें लिखा था कि टाइम ने अपने फैन क्लब के साथ बुरा बिहेव किया है, और ये न्यूज़ हर जगह फैल गई थी, इसलिए मैनेजर टाइम को सुना रहा था, और उसे कहता है, तुझे प्रपाई के साथ इंटरव्यू देकर सबको सच बताना होगा, वरना तेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, और जिस जिसने भी तुझसे प्रोजेक्ट डील कर रखी है वो सब कैंसिल हो जाएंगी। पर टाइम इस मामले में प्रपाई को नहीं घुसाना चाहता था, और कहता है, बाकी र्यूमर्स की तरह समय के साथ लोग इसे भी भूल जाएंगे। इधर प्रपाई एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर से कहती है, टाइम ने किसी भी फैन को हर्ट नहीं किया, जब मुझ पर अटैक हुआ था तो वो तो मेरी हेल्प करने आया था। एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर कहता है, तो चुप रहना, किसी को भी ये बात मत बताना, वरना सिर्फ टाइम ही प्रॉब्लम में नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी वजह से पूरी कंपनी प्रॉब्लम में आ जाएगी। जिस क्लाइंट के लिए वो टाइम से प्रोजेक्ट शूट करवा रहे थे, वो कहता है, टाइम की रेपुटेशन काफ़ी गिर गई है, तो हमें अपना मॉडल बदल लेना चाहिए, वरना उसके एडवर्टाइजिंग करने से हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। प्रपाई कुछ बोलने वाली थी, पर एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर उसे चुप करा देता है। प्रपाई सैड होती है, बट फे हंस रही थी। फिर प्रपाई टाइम को बहुत बार फ़ोन करती है, बट वो नहीं उठाता, तो वो उसे मिलने का मैसेज करती है, वो भी टाइम की सीक्रेट प्लेस पे। जब टाइम आता है तो वो उसे पिज़्ज़ा खाने को देती है और पूछती है, तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है, इट्स ओके, इस सब की तो मुझे आदत है, चलो इस बहाने मुझे पिज़्ज़ा खाने को तो मिला, वरना डाइट पे होने की वजह से मैं कहाँ खा पाता। तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है, पर वो नहीं उठाता। प्रपाई कहती है, तुमने उठाया क्यों नहीं, क्या पता कोई अर्जेंट कॉल हो। वो कहता है, कोई अर्जेंट नहीं है, बस यही बताना होगा कि मेरा आज का सारा काम कैंसिल हो गया, तो मैं आज फ्री हूँ। प्रपाई उसे स्वीट्स खाने को देती है, ताकि उसे बेटर फील हो। वो थैंक यू करता है, तो दोनों हंसने लगते हैं। वो कहता है, चम्मच कहाँ है। वो कहती है, चम्मच तो नहीं है मेरे पास, ऐसे ही हाथ से खा लो। वो कहता है, तुम चाहती हो कि मैं अपने हाथ गंदे करूँ। प्रपाई घर आती है, तो पूपा देखता है कि वो काफ़ी सैड और थकी हुई है,
तो पूछता है, क्या हुआ, काम में कोई प्रॉब्लम है? वो कहती है, मुझे लगता है मेरी वजह से टाइम प्रॉब्लम में फंसा। मैं सबको सच बताकर उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, पर कोई मुझे बोलने नहीं दे रहा। मेरी बैटरी डाउन हो गई, क्या तुम मेरे लिए चार्ज कर सकते हो? वो उसका फ़ोन लेकर चार्ज लगाने जाने वाला था, बट वो उसे रोक के कहती है, मैंने कहीं सुना है कि हक करके रिचार्ज हो जाता है। तो पूपा अपनी बाहें फैला लेता है, प्रपाई उसके शोल्डर पे सिर रख लेती है, तो वो उसे हक करने लगता है। वो कहती है, तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है। वो कहता है, तुम्हारी भी। रात में पूपा अपना ईमेल देखता है कि उसे अभी तक कोई भी ईमेल नहीं आया, तो सैड होता है। प्रपाई घर आके देखती है कि पूपा अंधेरे में बाहर टेरेस पे खड़ा है, तो उससे बात पूछती है। वो कहता है, कल स्कॉलरशिप का आखिरी दिन है, पर मुझे अभी तक कोई मेल नहीं आया। वो कहती है, सैड मत हो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दे दूँगी, तो चलो स्माइल करके दिखाओ। वो स्माइल करता है तो कहती है, मैंने कहा था ना, जब तुम स्माइल करते हो बहुत क्यूट लगते हो। वैसे अगर तुम जैसे जीनियस को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। पर अगर तुम अब भी सैड हो तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और फिर नेक्स्ट डे प्रपाई पूपा को टेम्पल लेकर जाती है और कहती है, यही है वो जगह जहाँ मेरी हर इच्छा पूरी होती है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भी मुझे तभी एडमिशन मिला था जब मैंने 100x डोनेट किए थे। वो कहता है, पर तुम्हें तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में नहीं जाना था, तो तुमने विशी क्यों किया था? वो कहती है, कहीं ना मिलने से बेटर कहीं तो एडमिशन मिला। चलो चुपचाप प्रे करो। पूपा कहता है, पर मुझे इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें प्रे करना है तो तुम कर लो। और जाने लगा था, पर वो उसे रोक के कहती है, जो मैं बोल रही हूँ तो मेरे पीछे पीछे रिपीट करो। फिर कहती है, हे गॉड, प्लीज़ पूपा को स्कॉलरशिप दिलवा दो, जिसके बदले में मैं 100x डोनेट करूँगी। इसका फेस अच्छे से देख लो, यही है वो। प्लीज़ मेरी विश पूरी कर देना। चलो पूपा रिपीट करो। तो बेचारा पूपा रिपीट करने लगा था। मॉर्निंग में प्रपाई देखती है कि पूपा उठ गया, तभी उसे अपनी फ्रेंड का कॉल आता है जो बताती है कि जल्दी से न्यूज़ देख। प्रपाई को लगता है कि फिर कोई न्यूज़ आ गई। पूपा स्माइल कर रहा था। प्रपाई न्यूज़ में देखती है कि टाइम के किसी फैन ने उस इंसिडेंट की पूरी वीडियो अपलोड कर दी थी, जिससे सबको सच पता चल गया था कि टाइम निर्दोष है। प्रपाई खुश होती है और कहती है, मैं अब चाहती हूँ कि पूपा तुम्हें भी जल्दी से गुड न्यूज़ मिल जाए, और बाय कर काम पे भाग जाती है। पर पूपा स्माइल कर रहा था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि पूपा ने ही कंपनी जाकर एक वर्कर से बात की थी जिसने उस पूरे इंसिडेंट की वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी, यानी पूपा ने ही प्रपाई के लिए टाइम की हेल्प की थी। प्रोफेसर खुश होते हैं क्योंकि मीना को उसके प्रोजेक्ट की वजह से स्कॉलरशिप मिल गई थी, और कहते हैं कि स्कॉलरशिप वैसे ज़्यादा अच्छी नहीं है बट तुम्हारे करियर में काफ़ी हेल्प करेगी। पर पूपा को देख बिना बात के चले जाते हैं। मीना कहती है, पूपा तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए। तो पूपा मीना को कंग्रेचुलेट करता है, बट वो रियल में काफ़ी सैड था। प्रपाई वहाँ उससे मिलने आती है तो वो पूछता है, तुम इतने सारे एक्स क्यों लेके आई हो? वो कहती है, क्योंकि मैंने गॉड से प्रे किया था ना। वो कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, हम 100x कैसे ख़त्म करेंगे? वो पहले सैड होती है पर फिर कहती है, लगता है 100x गॉड को कम लगे होंगे, मैं आगे से 1000x का प्रॉमिस करूँगी। बट वो फिर भी नहीं हंसता तो कहती है, मेरा शोल्डर खाली है, तुम चाहो तो अपना सिर रख सकते हो। पूपा उसके कंधे पे सिर रख लेता है तो वो उसका हाथ पकड़ कहती है, इट्स ओके, ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर मीना के स्कॉलरशिप मिलने की खुशी में सेलिब्रेट करने को बोल रहे थे, तो मीना पूपा को भी अपने साथ चलने को कहती है, और पूपा के फ्रेंड्स भी पूपा को कहने लगे थे ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाएगा। पर पपाई उसे कहती है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। पूपा पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो हाँ करती है तो पूपा भी उनके साथ चला जाता है, बट पूपा वहाँ बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं कर रहा था। प्रपाई जैसे ही वॉशरूम जाती है, मीना भी उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है, मुझे पूपा के लिए बुरा लग रहा है कि उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली। अगर उसके आसपास के लोग थोड़े इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते तो उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रपाई कहती है, पूपा एक जीनियस है, भले ही उसे अब स्कॉलरशिप नहीं मिली बट बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग उसकी वैल्यू को समझेंगे। वो कहती है, लगता है तुम पूपा को बहुत अच्छे से जानती हो। प्रपाई कहती है, हाँ, क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। प्रोफेसर पूपा के प्रोजेक्ट की गलतियाँ बता रहे थे, बट पूपा के फ्रेंड्स कहते हैं कि हमने तो देखा था, पूपा ने तो वो सब अच्छे से लिखा था। तभी मीना आकर सबको ड्रिंक गेम खेलने को कहती है,
जिसमें या तो सच बोलना होगा या ड्रिंक करना होगा। रुपाई ड्रिंक करने से मना कर देती है तो वो कहती है, तो तुम क्वेश्चंस के आंसर दे देना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। जब रुपाई की बारी आती है तो मीना उसे पूछती है, क्या तुझे लगता है कि तू पूपा के साथ सूट करती है? रुपाई कुछ नहीं बोल रही थी तो वो कहती है, अगर क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं दे सकती तो ड्रिंक करना होगा। तो पूपा रुपाई के बदले का ड्रिंक कर लेता है। वो बार बार ड्रिंक करने की वजह से टल्ली हो गया था तो रुपाई उसे टांग कर ले जा रही थी। वो कहता है, आई लाइक पाई। वो पूछती है, तुम्हें प्रपाई पसंद है या पाई की वैल्यू पाई? वो कहता है, प्रपाई ही पाई की वैल्यू है। वो कहती है, अब से पाई की वैल्यू प्रपाई अपने पूपा को प्रोटेक्ट करेगी, चलो आओ मैं तुम्हें रिचार्ज करूँ। तो वो उसे हक कर लेता है। प्रपाई उसे कंफर्ट करके रिचार्ज करती है। फिर वो टल्ली पूपा को टांग कर घर लेके आती है और उसे सोफे पर सुलाने लगी थी, बट वो उसे हक करने लगा था। प्रपाई मना कर रही थी बट वो तो सोने लगा था। मीना के क्वेश्चन के बारे में याद आते ही प्रपाई कहती है, सुना है टल्ली हो के इंसान झूठ नहीं बोलता? वो हाँ करता है। वो पूछती है, तो बताओ क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ? वो हाँ करता है। वो पूछती है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? वो हाँ करता है। वो कहती है, इसका मतलब सच है। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों साथ में सूट करते हैं? तो वो हाँ करता है। वो कहती है, चिंता मत करो, तुम्हें मेरी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मेरे इंटर्न बॉयफ्रेंड, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बट एक बात बताओ, जिस दिन मैं टल्ली हो गई थी मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? पूपा मना करता है। वो कहती है, नहीं बता सकते तो मुझे करके दिखाओ। तो पूपा प्रपाई को पकड़कर उसकी गर्दन को किस करने लगा था। वो कहती है, हे तुम क्या कर रहे हो? पर फिर नजरें मिलते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। तो पूपा प्रपाई को अपने क्लोज कर किस करने लगता है। वो तो हैरान थी और दूर होने लगती है, बट पूपा उसे कस के पकड़ लेता है। जब वो देखती है कि पूपा सो गया तो वो भी चुपचाप लेट जाती है। पता है कि प्रपाई उसकी बाहों में सो रही है तो वो खुश होता है, बट प्रपाई को उठते देख पूपा जानबूझ के सोने का नाटक करता है। प्रपाई चुपके चुपके उठने वाली थी बट उससे गलती से पूपा की पैंट पे हाथ रखा गया था। पूपा का फ़ोन आता देख वो उसकी पॉकेट से फ़ोन निकाल लेती है और वो उसे उठाने लगी थी, बट वो नहीं उठता तो वो खुद से ही उसका फ़ोन उठा लेती है। उसकी आवाज़ सुन फ़ोन पे मीना कहती है, कौन? प्रपाई तुमने पूपा का फ़ोन कैसे उठाया? पूपा के फ्रेंड्स कहते हैं, प्रपाई ने पूपा का फ़ोन उठाया? मतलब वो दोनों पूरी रात साथ में थे? उससे ऐसे मत पूछो। प्रपाई कहती है, रात पूपा टल्ली हो गया था तो मैं। मीना कहती है, तो तुमने उसका फ़ायदा उठाकर उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली? प्रपाई कहती है, हाँ पर इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं तो हम दोनों के साथ में रहने में कुछ अजीब नहीं है। पूपा सोता हुआ स्माइल कर रहा था। फ्रेंड्स कहते हैं, मीना उन्हें डिस्टर्ब मत करो, उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने दो। प्रपाई कहती है, ऐसा नहीं है। पर मीना गुस्से से तभी फ़ोन काट देती है। प्रपाई पूपा को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि वो सोने का नाटक कर रहा है। तो कहती है, कॉकरोच। पूपा एकदम से उठकर कहता है, कॉकरोच कहाँ है कॉकरोच? प्रपाई कहती है, तुम नाटक कर रहे थे ना, यानी तुमने सब सुन लिया? वो कभी मना तो कभी हाँ करता और फिर कहता है, चलो फिर से सोते हैं। पर प्रपाई भाग जाती है। वो कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ा धीरे चलो, कहीं फिसल के गिर मत जाना। फिर हम देखते हैं रूल बोर्ड को, प्रपाई ने अब मार्क्स बोर्ड बना दिया है क्योंकि तभी तो पूपा प्रपाई का इंटर्न से रियल बॉयफ्रेंड बन पाएगा। पूपा ने प्रपाई के लिए सैंडविच बनाई थी तो वो खाने वाली थी, बट उसकी नज़र पूपा के लिप्स पे पड़ जाती है और फिर रात वाला किस दिन याद आते ही वो शर्माकर सैंडविच खाने लगती है। फिर वो उसे देखने लगी थी तो पूपा उसके क्लोज होने लगता है। वो ब्लश करने लगी थी बट पूपा किस करने की बजाय उसके लिप्स साफ कर देता है। तो प्रपाई जल्दी जल्दी सैंडविच ठूसने लगती है और फिर पूछती है, क्या तुम आज लैब नहीं जाओगे? मॉर्निंग में तो लैब से फ़ोन आया था, क्या पता कोई काम हो। वो कहता है, मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए, वो मेरे बिना भी काम कर सकते हैं। प्रपाई देखती है कि पूपा ने सोचते सोचते सैंडविच पे बहुत सारी चिली सॉस लगा ली है और उसके मना करने से पहले ही वो खा लेता है। उसे मिर्ची लगती देख वो जल्दी से उसे मिल्क ला कर देती है। पूपा की ऐसी हालत देख प्रपाई को उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी, बट वो कहता है, इट्स ओके, तुम जॉब पे चली जाओ। तो प्रपाई पूपा को बाय कर अपनी जॉब पे चली जाती है। प्रपाई के जाते ही पूपा एक प्लेन पजल उठा लेता है
इधर पपाई न्यूज़ देख रही थी जिसमें रिपोर्टर टाइम से पूछते हैं कि उसने पहले किसी को एक्सप्लेन क्यों नहीं किया था कि उसने किसी फैन को हर्ट नहीं किया। वो कहता है क्योंकि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, अब तो मेरे फैंस ने सब लोगों के सामने सच ला दिया है तो मैं उन सबका थैंक यू करना चाहता हूँ मुझ में विश्वास रखने के लिए। रिपोर्टर पूछती है क्या तुम उन क्रेजी फैंस को सज़ा दिलवाओगे? वो कहता है नहीं, वो मेरे फैंस हैं जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, पर उन्हें केयरफुल रहना चाहिए कि वो ऐसा गलत काम कभी ना करें। प्रपाई ये न्यूज़ से काफ़ी खुश होती है। एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर उन सबको बताता है कि इस बार उन्हें कैट फूड की एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो फिर प्रपाई को इस एडवर्टाइजमेंट का आइडिया सोचने के लिए बोल देती है। निर्दोष प्रूफ हो गया था इसलिए उन्हें टाइम को मॉडल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो डायरेक्टर मान जाता है। प्रपाई कहती है मुझे लगता है हमें पहले वाले प्रोजेक्ट के लिए भी टाइम को नहीं हटाना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि टाइम की थोड़ी सी बैड र्यूमर्स की वजह से हमने उसके साथ सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए जिससे कंपनी की इमेज ख़राब हो सकती है। तो डायरेक्टर प्रपाई की ये वाली बात भी मान लेता है जिससे प्रपाई खुश थी, पर फे काफ़ी चिड़ी हुई लग रही थी क्योंकि प्रपाई के सामने उसकी वैल्यू कम हो गई थी। रात में प्रपाई घर आके देखती है कि पूपा अभी भी डाइनिंग टेबल पर ही बैठा है, तो कहती है क्या तुम पूरा दिन ये पजल सॉल्व करते रहे? वो हाँ करता है और फिर उसे गुड नाइट कर सोने जाने लगा था। वो उसे रोक के कहती है ऐसा मत करो, मुझे पता है तुम सैड हो, तुम्हें पता है ना जो प्रोजेक्ट तुमने रेडी किया है उसे हर कोई नहीं कर सकता और तुम कितने स्मार्ट और टैलेंटेड हो, तो तुम अपने ब्रेन को ऐसे छोटी सी पजल सॉल्व करने में यूज़ मत करो, ये तो गलत होगा। वो कहता है मैं स्मार्ट नहीं हूँ, ये कितना एम्बैरेसिंग है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कभी कोई स्कॉलरशिप मिस नहीं करता। तो प्रपाई को सोचने लगती है। इधर पूपा के फ्रेंड्स टाइम पास करने के लिए डंडा फाइटिंग कर रहे थे, पर फिर कहते हैं ये भी कितना बोरिंग है, पूपा कहाँ है, इतने दिन से गायब है, वो अभी तक आया क्यों नहीं, उसने ऐसे काम छोड़ दिया इसलिए प्रोफेसर भी उससे गुस्सा है, और मीना को तो जब से स्कॉलरशिप मिली है तो वो तो हम जैसे से बात ही करना पसंद नहीं करती, पहले तो बड़ा पूपा पूपा करती रहती थी, अब उसे कोई पूपा याद नहीं आ रहा। तभी लैब में प्रपाई आती है तो वो कहते हैं तुम पूपा से मिलने आई हो, पर वो तो यहाँ नहीं है, पता नहीं उसे कुछ दिनों से क्या हो गया है। प्रपाई कहती है वो स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से काफ़ी सैड है, क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे पूपा को फिर से इंस्पिरेशन मिले और वो फिर से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करे? फ्रेंड्स कहते हैं पर हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि प्रोफेसर उससे काफ़ी गुस्सा है और वो तो शायद उसे दूसरी कोई स्कॉलरशिप से भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाने वाले। तो प्रपाई प्रोफेसर से मिलने उनके घर जाती है। प्रपाई को बाहर खड़ा देख प्रोफेसर पहचान लेते हैं कि वो तो पूपा की गर्लफ्रेंड है, तो उससे वहाँ आने का रीज़न पूछते हैं और उन्हें कहती है कि पूपा काफ़ी परेशान है, क्या आप उसे किसी और स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए बता सकते हो? प्रोफेसर कहते हैं स्कॉलरशिप तो कुछ हैं बट उनके डेडलाइन कल तक की है। वो कहती है तो क्या आप उनकी डेडलाइन थोड़े दिन के लिए बढ़वा नहीं सकते? प्रोफेसर कहते हैं डेडलाइन बढ़ाने का काम मेरे बस में नहीं है, और अगर पूपा को सच में स्कॉलरशिप की ज़रूरत होती तो तुम्हारी जगह वो मुझसे मिलने आता। और प्रपाई को घर जाने को बोलकर गेट बंद कर देते हैं। प्रपाई उनसे बहुत मिन्नतें करती है बट प्रोफेसर चले जाते हैं। प्रपाई काफ़ी सैड थी, तभी प्रोफेसर की वाइफ आ जाती है। प्रपाई उनकी वाइफ को अपनी पूरी प्रॉब्लम बताती है तो वो उसे घर के अंदर ले जाती हैं। प्रोफेसर अपनी वाइफ को टी बनाकर देने लगे थे पर प्रपाई को घर में देख कहते हैं तुम यहाँ कैसे आ गई, और फिर प्रोफेसर से कहती हैं तुम भी तो एक बार स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से कितने सैड थे, तो मैंने तुम्हारे टीचर से बात की थी। प्रोफेसर कहते हैं डार्लिंग तुम वो बात बीच में क्यों ला रही हो, मैंने तो प्रोजेक्ट बिल्कुल सही सही बनाया था, पर इसलिए हार गया था क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर की उनसे जान पहचान थी, बट पूपा के साथ ऐसा नहीं है, उसने प्रोजेक्ट में सही से डाटा नहीं लिखा, तो उसे अब सैड होने के बजाय अपनी गलती ढूंढनी चाहिए। प्रपाई को सब समझ आ गया था और कहती है ठीक है तो मैं उसकी मिस्टेक ढूंढ के ठीक करने में हेल्प करूँगी, और बाई कर भाग जाती है। प्रोफेसर हैरान, उनकी वाइफ कहती है इस लड़की के बॉयफ्रेंड के लिए दूसरी स्कॉलरशिप ढूंढो। देन प्रोफेसर वास लाइक ओके डार्लिंग आपका हुक्म सराखों पर। इधर पूपा के फ्रेंड्स कहते हैं ये कैसे हो सकता है, पूपा ने तो सारा डाटा सही से लिखा था, हमने खुद देखा था। प्रपाई कहती है
वही तो, पूपा हर छोटी से छोटी चीज के लिए इतना सीरियस है, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो आधा डाटा लिखना भूल जाए। फ्रेंड्स कहते हैं, डाटा का कुछ पार्ट मीना ने एडजस्ट किया था, है ना मीना? वो कहती है, मुझे याद नहीं, और उठकर चली जाती है। बट वो तीनों वास लाइक, इसे क्या हुआ, ये क्यों उठकर चली गई? फिर वो तीनों देखते हैं कि डाटा सच में मिसिंग है, तो हैरान थे कि ये डिलीट कैसे हो गया। पर प्रपाई देखती है कि प्रोफेसर को पूपा का प्रोजेक्ट सेंड करने से पहले किसी ने एडिट किया हुआ था। पर प्रपाई कहती है, ज़रूर किसी ने जानबूझ के एडिट करके डिलीट किया होगा। फ्रेंड्स कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, लैब में तो मेरे, तुम्हारे, पूपा, प्रोफेसर और ओ माय गॉड। प्रपाई कहती है, हमें सच को सामने लाना होगा। फिर वो तीनों सीसीटीवी में देखते हैं कि जिस टाइम प्रोजेक्ट की एडिटिंग की हुई थी, उसी टाइम मीना भी वहीं आसपास थी। पर मीना के डाटा डिलीट करने की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, क्योंकि प्राइवेसी की वजह से लैब के अंदर सीसीटीवी नहीं लगा था, यानी उनके पास अभी कोई खास प्रूफ नहीं है। प्रपाई कहती है, तो हमें मीना से ही सच खुलवाना होगा। बट कैसे? इसका प्रपाई को एक धांसू आइडिया आता है। तभी पूपा का एक फ्रेंड मीना को कॉल कर कहता है, तुम जल्दी से सीसीटीवी रूम में आ जाओ, प्रोफेसर भी वहीं पे हैं। तो मीना भागकर जा सीसीटीवी रूम की रिकॉर्डिंग्स देखने लगी थी। वो तीनों आकर पूछते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है, कुछ भी नहीं। प्रपाई कहती है, क्या तुम सबूत मिटाने की कोशिश कर रही हो? मीना कहती है, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रपाई कहती है, हमें पता चला कि पूपा का प्रोजेक्ट प्रोफेसर को सबमिट करने से पहले एडिट हुआ था, तो तुम उस टाइम कहाँ थी? वो कहती है, मैं लैब में नहीं थी, मैं डाटा रूम में थी। अगर यकीन नहीं तो सीसीटीवी देख लो। फ्रेंड्स कहते हैं, सबको पता है कि लैब में सीसीटीवी नहीं है। वो कहती है, तो तुम कहना चाहते हो कि ये सब मैंने किया है? फ्रेंड कहता है, तुमने नहीं किया तो और किसने किया होगा? प्रपाई कहती है, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो मुझे अपनी स्मार्ट वॉच दिखाओ कि तुम झूठ बोल रही हो या सच। मीना स्मार्ट वॉच छुपाने लगती है, तो प्रपाई मीना का फ़ोन उठा के देख लेती है और कहती है, उस टाइम तुम्हारी हार्ट बीट क्यों बढ़ी हुई थी? यानी उस टाइम तुम पूपा का प्रोजेक्ट एडिट कर रही थी, तभी तुम नर्वस थी इसलिए तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ी। वो कहती है, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट की चेकिंग कर रही थी इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड थी। फ्रेंड्स कहते हैं, पर तुमने तो अभी कहा था कि तुम उस टाइम लैब में नहीं थी, डाटा रूम में थी, तो तुम अपना प्रोजेक्ट कैसे चेक कर लोगी? यानी तुम उस टाइम लैब में थी। मीना चुप हो जाती है, क्योंकि वो पकड़ी गई थी, और फिर जल्दी से सीजर उठा लेती है। वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं, बट वो उन्हें खुद से दूर रहने को बोल रही थी। तभी पूपा आकर मीना के हाथ से वो सीजर छीन लेता है, और प्रोफेसर भी वहाँ आ गए थे। इनफैक्ट उन सबको ही मीना की सच्चाई पता चल गई थी। प्रोफेसर गुस्सा भी होते हैं और सैड भी कि उनकी इतनी अच्छी स्टूडेंट मीना ने ऐसा गलत काम किया। पूपा की ये बात सुन मीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है, और वो रोते हुए चली जाती है। पूपा के फ्रेंड्स कहते हैं, तूने उसे ऐसे ही जाने दिया, उसकी वजह से तेरी स्कॉलरशिप चली गई। पूपा कहता है, कोई बात नहीं। फिर वो तीनों फिर से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का डिसाइड करते हैं, बट स्कॉलरशिप की डेडलाइन सिर्फ कल तक की थी। प्रोफेसर कहते हैं, उसकी चिंता मत करो, बाकी स्कॉलरशिप भी हैं जिसकी डेडलाइन नेक्स्ट वीक है। तो सब खुश होते हैं। प्रपाई तो प्रोफेसर का थैंक यू करती है, बट वो कहते हैं, मुझे किसी और ने कहा था ये सब करने के लिए। प्रपाई समझ आती है, और फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर प्रपाई पूपा से कहती है, आगे से कभी भी खुद पे दोष मत लगाना। वो कहता है, इसका मतलब मुझे मार्क्स पाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी ताकि तुम्हारा रियल बॉयफ्रेंड बन पाऊँ। वो हंस पड़ती है, तो वो पूछता है, वैसे तुमने प्रोफेसर को कैसे मनाया? वो कहती है, सीक्रेट है। वो बार बार उसे बताने के लिए कह रहा था, बट वो मना कर रही थी। फिर प्रपाई स्टार्स देखने लगी थी, तो पूपा उसे बताता है कि वो अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है। उसकी टेल से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन का पता चलता है, तो प्रपाई ये जानकर बहुत खुश होती है। और फिर उसे बताती है कि स्टार से रिलेटेड एक लव स्टोरी है, काउबॉय और वीवर गर्ल की। वो दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते थे, बट उन्हें एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है, और वो साल में सिर्फ एक बार ही मिल सकते थे। उनकी लव स्टोरी कितनी सैड है ना? प्रपाई को सैड देख वो कहता है, ये सच थोड़ी ना है, ये तो बस एक ब्यूटीफुल सी फेयरी टेल है। वो कहती है, तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। वो पूछता है, अगर मैं यहाँ ना होता तो क्या तुम सैड होती? वो कहती है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। वो कहता है,
मैं कहीं नहीं जा रहा, अभी तो मुझे तुम्हारा इंटर्न से रियल बॉयफ्रेंड भी तो बनना है। तो वो हंसने लगती है। इधर कंपनी में कैट की एडवर्टाइजमेंट वाली क्लाइंट अपनी कैट को कंपनी में ही छोड़ जाती है, क्योंकि उसी कैट के साथ शूट करना था, बट क्लाइंट को कहीं जाना था तो तब तक के लिए कंपनी को ही कैट का ख्याल रखना होगा। बट ये कैट बहुत ज़्यादा महंगी है, लगभग 6 डिजिट्स में। प्रपाई तो हैरान थी, पर अब बात ये थी कि कैट को अपने घर रखेगा कौन। फे तो पहले ही ये बोलकर मना कर देती है कि उसके घर में तो ऑलरेडी एक डॉगी है। प्रपाई को कैट्स बहुत पसंद थे, बट उसकी फैमिली वालों ने कभी उसे कैट नहीं रखने दी। तो फे कहती है, क्यों ना तुम ही इस कैट को अपने घर ले जाओ। प्रपाई कहती है, पर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पेट्स को रखने की इजाज़त नहीं है। फे कहती है, फिर क्या हुआ, कुछ दिनों की तो बात है, उनसे परमिशन ले लेना। वो कहती है, पर ये कैट तो बहुत महंगी है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगी। डायरेक्टर कहता है, तुम मना नहीं कर सकती क्योंकि तुम ही इस एडवर्टाइजमेंट शूट की इंचार्ज हो और ये कैट भी हमारी एक मॉडल है। देन प्रपाई वाज लाइक, पूपा के होते हुए कैट घर में। फिर वो रात में छुपके छुपके घर में आती है और पूपा की आवाज़ सुनते ही कैट को लेकर अपने रूम में भाग जाती है और फिर कैट को चुप रहने को बोलकर बाहर आती है। पूपा उससे बातें करने लगा था, बट वो बहाने से पूपा को रूम से दूर ले जा रही थी। पर पूपा को काफ़ी छींकें आ रही थीं। टेबल पे कैट फूड रखा देख वो पूछता है, ये कैट फूड किसके लिए। वो कहती है, ये एडवर्टाइजमेंट शूट के लिए है। पूपा उसे गौर से देखते हुए उसके क्लोज होने लगा था तो वो डर जाती है, बट पूपा कहता है, उन्होंने तुम्हें फिर से घर के लिए काम दे दिया ना, आगे से ओवरवर्क के लिए एक्स्ट्रा सैलरी लेना। देन प्रपाई वाज लाइक, थैंक गॉड बच गई। पूपा को छींक आते देख वो कहती है, लगता है तुम्हें कोल्ड हो गया, चलो अपने रूम में जाकर आराम करो, गुड नाइट, और उसे उसके रूम में धक्का दे देती है। रात में जब प्रपाई सो रही थी तो कैट उसके रूम से बाहर चली आती है और पूपा जो फ्रिज में से पानी लेने आया था कैट को देखकर डर जाता है और चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन प्रपाई बाहर आती है। वो कैट को पोछा दिखा रहा था तो कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो, ये कैट बहुत महंगी है। पर उसे छींकता दे कहती है, तुम ठीक तो हो ना। वो मना करता है। वो कहती है, सॉरी पर मैं इसे वापस लेकर नहीं जा सकती वरना मुझे जॉब से निकाल देंगे। वो कहता है, तुम्हें पता है ना इस बिल्डिंग में पेट्स अलाउड नहीं है। वो कहती है, सिर्फ कुछ दिनों की तो बात है, प्लीज़ तुम किसी को बताना मत। और फिर कैट को गोद में उठाकर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इसे बाहर नहीं आने दोगी, मुझे कैट से एलर्जी है। वो कहती है, इसका नाम जुबजुब है, लगता है ये तुम्हें पसंद करने लगा। वो कहता है, नो वे, कैसा फनी सा नाम है। और जुबजुब से डरकर अपने रूम में भाग जाता है। इधर वावा शॉपिंग कर रही थी, वहीं पे ता को देख वो उसके पास जाने लगी थी, पर देखती है कि ता एक लड़की को फ्लावर बुके दे रहा है और उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो वावा कहती है, ये वही इंसान है ना जो बदलने की बातें कर रहा था, ये कभी नहीं बदल सकता, और गुस्सा हो चली जाती है। बट हम देखते हैं कि ता तो शूटिंग की प्रैक्टिस करके दिखा रहा था क्योंकि वही कैमरामैन है, यानी वावा ने उसे गलत समझ लिया। पूपा जुबजुब को खाना खिला रहा था तो प्रपाई कहती है, थैंक यू। वो कहता है, मैं खुद को रिस्क में डाल रहा हूँ तो मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे ना, और छींकना स्टार्ट कर देता है। तो प्रपाई पूपा के लिए मास्क ऑर्डर करती है। फिर वो पूपा को कैट कैप पहनने को देती है जिससे पहन के वो बहुत क्यूट लग रहा था। जुबजुब बोल रहा था तो वो कहता है, क्या चाहिए तुम्हें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रपाई कहती है, ये लो, ये कैट ट्रांसलेशन ऐप है। तो वो ऐप से पूछता है, क्या चाहिए। जुबजुब म्याऊं म्याऊं करता है जिसका मतलब है भूख लगी है। प्रपाई कहती है, अरे ये तो सच में काम कर रहा है, अब की बार मैं पूछूंगी, क्या प्रपाई क्यूट है। वो हाँ करता है। फिर वो पूछती है, क्या पूपा क्यूट है। वो ना करता है। प्रपाई कहती है, क्या तुम कल मेरे साथ शूट पे चलोगे, मैं काफ़ी बिजी होंगी तो तुम जुबजुब का ख्याल रख लेना, बदले में मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगी। वो पूछता है, क्या एक्स्ट्रा मार्क्स फुल मार्क्स नहीं हो सकते। वो कहती है, सपनों में ही हो सकते हैं। तो दोनों हंस पड़ते हैं। पूपा कहता है, मुझे लैब जाना होगा फॉरन टीम से मिलने क्योंकि वो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। पूपा को छींकते देख प्रपाई उसे मास्क दे देती है। फिर वो प्रपाई और चुपचुप को बाय कर चला जाता है। पूपा फॉरन टीम को बताता है कि ये मेरा होलोग्राम प्रोजेक्ट है और ये बच्चों की एक यूनिवर्स बुक से इंस्पायर्ड है,
और फिर उन्हें सारे डिटेल्स बताता है। फॉरेन टीम को उसका प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आता है, इसलिए वो उसे स्कॉलरशिप देने के लिए हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि प्रोजेक्ट पे कंप्लीट रिसर्च करने के लिए पूपा को भी फ़ौरन आना पड़ेगा। प्रोफेसर तो बहुत खुश होते हैं, बट पूपा को याद आता है कि प्रोपाई ने उससे दूर जाने के लिए मना किया था, इसलिए वो फॉरेन टीम का प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। पर प्रोफेसर कहते हैं, पूपा क्या कह रहे हो, इतना अच्छा मौका मिला है, बोलने से पहले सोच तो लो। तो वो हाँ करता है। फिर पूपा झुपझुप को लेकर प्रोपाई के पास शूट वाली जगह पे पहुँच जाता है। वो कहती है, तुम्हें पूरा दिन मेरी हेल्प नहीं करनी पड़ेगी, काम काफ़ी कम हो गया। वो कहता है, पर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि मुझे जल्दी से फुल मार्क्स मिले। वो हंस पड़ती है, पर टाइम जो उनकी बातें सुन रहा था जानबूझकर प्रोपाई को बुलाने लगता है। प्रोपाई उसके पास जाने लगी थी, बट पूपा प्रोपाई को कहता है, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। वो हंसकर कहती है, तुम्हें क्यूट बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम पे पहले से फिदा हूँ। पूपा हंसने लगता है क्योंकि उसने तो उसे आई लव यू बोला था कैट की लैंग्वेज में। इनफैक्ट पूपा ने रात भर कैट की आवाज़ में आई लव यू बोलना सीखा था, जो था म्याऊ म्याऊ म्याऊ। प्रोपाई टाइम को शूट की स्क्रिप्ट समझा रही थी, तो पूपा को चिढ़ाने के लिए टाइम जानबूझकर प्रोपाई के कंधे पे हाथ रखता है। पूपा को गुस्सा आ रहा था, बट प्रोपाई टाइम का हाथ हटाकर उसे स्क्रिप्ट पे ध्यान देने को कहती है, बेचारा टाइम। फिर जब टाइम चुप चुप को उसके बैग से बाहर निकालने लगा था तो पूपा मास्क पहन लेता है, पर टाइम जानबूझकर चुप चुप को पूपा के क्लोज करता है और कहता है, तुझे कैट से एलर्जी है तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है, चुपचाप घर चला जाना। बट वो कुछ नहीं बोलता। प्रोपाई आकर कहती है, टाइम तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से शूट पे चलो। वो कहता है, मैं तो बस इसके साथ खेल रहा था, है ना लिटिल गर्ल। पूपा कहता है, झुपझुप एक लिटिल बॉय है। देन टाइम वॉज लाइक पोपट हो गया। प्रोपाई झुपझुप को लेने लगी थी, पर झुपझुप उसके हाथों से निकलकर भागकर चा पेड़ पे चढ़ जाता है। सब परेशान हो गए थे, तो डायरेक्टर प्रोपाई को कहता है, मैंने तुम्हें झुपझुप का ख्याल रखने को कहा था ना, पता है ना इसकी कीमत पूरी तुम्हारी एक सैलरी की जितनी होगी, जाकर उसे लेके आओ। प्रोपाई जाने लगी थी तो पूपा कहता है, मैं झुपझुप को लेकर आता हूँ। टाइम कहता है, नहीं मैं लेकर आऊँगा। फिर क्या, दोनों लव राइवल एक दूसरे को घूरने लगते हैं। टाइम जैसे ही झुपझुप को उतारने के लिए पेड़ पे चढ़ने लगा था, उसका मैनेजर कहता है, इसका सोचना भी मत। और एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर भी टाइम को मना करने लगा था, क्योंकि टाइम शूट का मेन मॉडल है, तो अगर उसे कुछ हो गया तो शूट में गड़बड़ हो जाएगी। टाइम कहता है, मैं एक बार स्टंट के लिए 3 मंजिली बिल्डिंग पे भी चढ़ा था, तो इस कैट को लाने के लिए पेड़ पे चढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। पर मैनेजर फिर भी मना कर देता है। प्रोपाई कहती है, टाइम बस करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सब लोग प्रॉब्लम में फंसेंगे। मैनेजर और डायरेक्टर पूपा को कैट लाने के लिए कहते हैं। देन पूपा वॉज लाइक, देखा टाइम, पर टाइम चिढ़ गया था। पूपा अपने जैकेट उतार के प्रोपाई को देता है, तो वो उसे केयरफुल रहने को कहती है। फिर वो एक हीरो की तरह पेड़ पे चढ़ने लगा था, तो प्रोपाई कहती है, वाओ ये कितना कूल है। देन टाइम वॉज लाइक, व्हाट, किस तरफ से। पूपा झुपझुप को अपनी तरफ बुलाने के लिए आवाज़ लगाता है, बट वो उसकी नहीं सुन रहा था। तो फिर पूपा प्रोपाई से कैट कैप मंगवाता है। वो पहले तो ऑकवर्ड फील कर रहा था, बट फिर वो कैट कैप पहन लेता है, तो गर्ल्स हंसने लगती हैं और बाकी सब लोग उसे देखने लगे थे। पूपा कैट ट्रांसलेशन ऐप की हेल्प से झुपझुप को अपने पास बुलाता है, तो वो उसकी तरफ जाने लगा था, तो सब चैन की सांस लेते हैं। देन टाइम पूपा को उसका फ़ोन वापस कर देता है। फिर टाइम झुपझुप के साथ एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहा था, तो उसका मैनेजर फिर से पूपा को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के लिए कहने लगता है। पूपा उसे मना कर रहा था, तो वो कहता है, इतनी जल्दी मना मत करो, मैंने तुम्हें और टाइम को साथ में देखा था, दोनों अच्छे पार्टनर बनोगे। देन पूपा वॉज लाइक, पार्टनर, वो भी मेरे लव राइवल, नो वे। पर कहता है, हम दोनों कभी भी पार्टनर नहीं बन सकते। वो जाने लगा था तो मैनेजर सैड होता है, तभी टाइम आकर कहता है, इस बारे में सोचना भी मत, अगर मुझे रखना चाहते हो तो उसे नहीं रख सकते। मैनेजर कहता है, मुझे चूज़ करने के लिए फोर्स मत करो। देन टाइम वॉज लाइक, ऐसा मत बोल यार। शूट कंप्लीट हो गया था, इसलिए प्रोपाई झुपझुप को बाय बाय करती है, क्योंकि अब वो अपने घर जा रहा था। फिर वो पूपा के साथ घर जाने लगी थी। टाइम अपने फैन से कहता है, थैंक यू, तुम लोगों ने एविडेंस ढूंढकर उन र्यूमर्स को झूठा साबित कर दिया और मुझे इनोसेंट प्रूफ किया था,
वो गर्ल्स पूपा को देख कहती हैं, वो जो स्टाफ है ना, उसने पोस्ट करने के लिए हमें वीडियो दिया था। टाइम कहता है, वो क्यूट लड़की? वो कहती हैं, नहीं, उसके पास वाला हैंडसम लड़का। तो टाइम पूपा से जाकर कहता है, तो तुमने ही मेरा वीडियो फैंस को दिया था। थैंक यू। पूपा कहता है, थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की थी। मैंने तो ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं प्रपाई को सैड नहीं देखना चाहता। प्रपाई खुश हो रही थी। टाइम कहता है, अच्छा तो इसी वजह से तूने प्रपाई से अब तक सीक्रेट रखा कि तू फॉरेन की स्कॉलरशिप नहीं ले रहा ताकि प्रपाई सैड ना हो। प्रपाई कहती है, पूपा क्या तुम्हें फॉरेन से स्कॉलरशिप मिल गई? पूपा कुछ भी नहीं बोलता। टाइम कहता है, और नहीं तो क्या, मैंने तो खुद इसके फ़ोन में मैसेज देखा था। प्रपाई कहती है, तो तुमने मना क्यों कर दिया? ये कितना अच्छा ऑफर है। पूपा कहता है, अगर मैं स्कॉलरशिप के लिए हाँ करूँगा तो मुझे कम से कम रिसर्च करने के लिए एक साल तक फॉरेन में ही रहना पड़ेगा और हम दोनों की लव स्टोरी भी काउबॉय और वीवर गर्ल जैसी हो जाएगी। क्या तुम ये चाहती हो? वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पसंद की चीज़ें करो। अगर मेरी बात ना होती तो तुम स्कॉलरशिप एक्सेप्ट करते ना? पूपा कुछ नहीं बोल रहा था। तो टाइम कहता है, हाँ कर दे, ज़्यादा मत सोच, सिर्फ एक साल की तो बात है। प्रपाई पूपा का हाथ पकड़ कहती है, अगर तुम स्कॉलरशिप के लिए हाँ करोगे तो मैं तुम्हें फुल मार्क्स दूंगी और अपना रियल बॉयफ्रेंड बनने दूंगी। देन टाइम वॉज लाइक, वॉट? पूपा कहता है, तो तुम अब से मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए दूसरे लड़कों की तरफ देखना भी मत। वो कहती है, डोंट वरी, आई प्रॉमिस, मैं सिर्फ तुम्हारा वेट करूंगी। और दोनों हक करते हैं। बेचारे टाइम का तो प्लान ही उल्टा पड़ गया था। पूपा और प्रपाई उसे बाय कर जाने लगते हैं। टाइम कहता है, एक साल, मैं ये मौका नहीं छोड़ने वाला, पूपा देख लेना। नेक्स्ट डे प्रपाई बड़ी इमोशनल सी होके पूपा के गेट के बाहर खड़ी थी, तभी वो गेट खोलता है तो वो हंस पड़ती है। पूपा कहता है, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया तो लैब चलता हूँ, बट आज मैं लैब से घर लेट आऊँगा। जब पूपा प्रपाई को उसके चिक पे किस करता है, वो तो हैरान हो जाती है, बट वो भाग जाता है तो वो बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं प्रपाई ने पूपा को फुल मार्क्स दे रखे थे क्योंकि अब वो उसका रियल बॉयफ्रेंड जो बन गया था। इधर पूपा के फ्रेंड्स और प्रोफेसर बातें कर रहे थे कि कितने दुख की बात है कि पूपा ने फॉरेन की स्कॉलरशिप को रिजेक्ट कर दिया। तभी पूपा आकर कहता है, मैंने स्कॉलरशिप एक्सेप्ट कर ली। प्रोफेसर कहते हैं, तूने एकदम सही फैसला किया। वो कहता है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का थैंक यू करना चाहिए क्योंकि उसी ने मुझे हाँ करने के लिए कहा। देन फ्रेंड्स वर लाइक, तेरी तो लॉटरी लग गई, गर्लफ्रेंड और स्कॉलरशिप दोनों ही मिल गई। पूपा कहता है, रिसर्च के लिए एक साल बहुत ज़्यादा होगा, पर मुझे रिसर्च जल्दी जल्दी से फिनिश करनी होगी। प्रोफेसर पूछते हैं, क्यों, क्या तुम्हें कुछ और काम करने की जल्दी है? देन पूपा वाज लाइक, वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा टाइम दूर नहीं रहना चाहता। तो सब हंस पड़ते हैं। पूपा का फ्रेंड उसे अकेले में कहता है, मुझे तेरे और तेरी गर्लफ्रेंड की फिक्र हो रही है, तूने अभी अभी डेटिंग स्टार्ट की है और इतनी जल्दी तू उससे दूर जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो जाए। पूपा कहता है, चिंता मत कर, मुझे प्रपाई पे पूरा भरोसा है और वो भी मुझ पे पूरा भरोसा करती है। फ्रेंड कहता है, एक दूसरे पे भरोसा होना अच्छी बात है, पर जब तुम साथ नहीं होगे तो कुछ गारंटी थोड़ी ना है। देन पूपा वाज लाइक, तो मुझे क्या करना चाहिए? फ्रेंड कहता है, तुझे उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट बढ़ाना चाहिए ताकि रियलिटी में तेरा उस पर कब्जा हो सके, तेरा फिजिकल कॉन्टैक्ट उसे तुझे भूलने नहीं देगा। पूपा कहता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट, वो मैं कैसे करूँगा? फ्रेंड कहता है, अबे यार, और फिर उसे कुछ इशारे से करता है। नेक्स्ट डे पूपा और प्रपाई शॉपिंग करने जाते हैं। प्रपाई बहुत खुश होती है। प्रपाई केक खाने को बोल रही थी तो वो उसके लिए केक ऑर्डर करता है, तो वो उसका थैंक यू करती है और फिर दोनों साथ में खाते हैं। चलते चलते पूपा प्रपाई का हाथ पकड़ लेता है तो वो उसे देखने लगती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर प्रपाई उसे विश मांगने ले जाती है, जहाँ पे विश पैल पे कपल का नाम लिख कर टांगते हैं तो भले ही उनकी बॉडीज अलग हो जाएं, बट उनका दिल हमेशा जुड़ा रहता है। पर पूपा प्रपाई को फिश फूड लेने भेज कर खुद वहाँ पर बहुत सारी विश पैल टांग देता है, जिसपे उसने सिर्फ प्रपाई के लिए ही विश मांगी थी, जिन पे लिखा था प्रपाई खुश रहे और कोई भी प्रपाई से पंगा ना ले। और फिर दोनों फिश को फिश फूड खिलाते हैं। सिनेमा हॉल में जब वो दोनों मूवी देख रहे थे तो पूपा प्रपाई का हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने के लिए क्लोज होता है। प्रपाई भी किस के लिए पूरा रेडी थी, बट तभी एक बच्चा कहता है, देखो मॉम, ये दोनों किस करने वाले हैं। तो
तो दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं। उसकी मॉम कहती हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। तो पूपा और पपाई को हंसी आ जाती है। फिर वापस घर जाते टाइम कार में पूपा और पपाई को किस करने के लिए क्लोज होता है, बट इस पर ड्राइवर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। बेचारे, पता नहीं आज इनका किस हो भी पाएगा या नहीं। मीना बिल्डिंग के हॉल में बैठी उन दोनों का वेट कर रही थी और फिर उन दोनों को देख कहती है, पूपा कंग्रेचुलेशन, तुम सच में जीनियस हो, तुम ज़रूर सक्सेसफुल होगे। पपाई, सॉरी, मैंने तो तुम्हें हर्ट करने की भी कोशिश की थी। और फिर उन दोनों को सॉरी बोलकर चली जाती है। पूपा मीना को रोकने वाला था, बट उन दोनों को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें उसे क्या कहना चाहिए। इधर ताप फ्लावर बुके लेकर बाबा का वेट कर रहा था और फिर उसे आते देख पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? पता है मैं कितना परेशान हो गया था। वो कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? तो ताऊ उसे फ्लावर बुके देने लगा था, पर बाबा को याद आता है कि ताने सेम ऐसा ही फ्लावर बुके किसी और लड़की को दिया था। तो कहती है, तुम गलत इंसान को दे रहे हो। और जाने लगी थी, वो उसे रोक के पूछता है, क्या मतलब तुम्हारा? वो कहती है, तुम सबसे झूठ बोल सकते हो पर खुद से नहीं। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तो अनजान बनने का नाटक मत करो। और चली जाती है। ताऊ से बहुत आवाज़ लगाता है बट वो गेट नहीं खोलती। प्रपाई और पूपा घर आते हैं। जब प्रपाई वॉशरूम जाती है तो पूपा जल्दी जल्दी इंटरनेट पे सर्च करता है कि हाउ टू किस ए गर्ल, और पढ़ने भी लगा था, पर तभी प्रपाई आकर पूछती है, क्या कर रहे हो? वो कहता है, कुछ भी नहीं। प्रपाई को वावा का फ़ोन आता है जो रो रही थी, तो वो उससे बात करने लगती है। इंटरनेट पे लिखा था कि अगर एक लड़की को किस करना है तो अचानक से बिना बताए उसके करीब जाओ और फिर जैसे ही वो तुम्हारी आंखों में देखने लगे एकदम से किस कर डालो। पूपा कहता है, अच्छा तो इतना आसान है। उठकर पपाई के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो जैसे उसे मुड़ के देखती है वो उसे किस करने लगा था। हम सबको लगता है कि चलो आज तो इनका किस कंप्लीट हो ही गया, बट वेट वेट वेट, ये तो पूपा की सिर्फ इमेजिनेशन थी। इनफैक्ट वो भी ये सोच रहा था कि वो ऐसे ही जाकर पपाई को किस करेगा, बट रियल में जब वो उठकर पपाई के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है तो पपाई उसे 2 मिनट रुकने को कहती है। देन पूपा वास लाइक, क्या अब मैं क्या करूँ? जब वो पर्दे की तरफ देखता है तो उसे एक आइडिया आता है और वो पपाई को अच्छे से पकड़कर पर्दा खोल के घुमा देता है, जिससे वो दोनों हर तरफ से पर्दे में बंद हो गए थे। प्रपाई पूपा को देखने लगी थी। अब तो दोनों इतना क्लोज थे कि इस पर तो किस कन्फर्म है। फिर वो दोनों किस करने लगे थे। किस के चक्कर में प्रपाई तो वावा का फ़ोन भी भूल गई थी। उन दोनों की किसिंग स्टार्ट हो गई थी। वो फिर से किस करने लगे थे बट तभी डोरबेल बजती है। देन पूपा वास लाइक, अब कौन आया डिस्टर्ब करने? तो वो दोनों पर्दे से बाहर झांकते हैं। पूपा प्रपाई की तरफ देखने लगा था तो वो कहती है, मैं अभी देखने जा रही हूँ कि कौन है। प्रपाई गेट खोल के देखती है, वो तो वावा थी जो उसे हक करके रोने लगती है। पूपा प्रपाई की तरफ देख रहा था तो वो उसे कुछ मिनट वेट करने को बोलकर वावा के साथ रूम में चली जाती है। वो वावा को छुपा रही थी बट वावा कहती है, ता मुझे बिल्कुल भी लव नहीं करता, मैंने उसे खुद एक लड़के को फ्लावर देते देखा था। तो प्रपाई उसे हक करके कम्फर्ट करती है, बट इधर बेचारा पूपा वेट कर करके परेशान हो गया था। और ता को फ़ोन कर कहता है, तेरे और वावा के बीच में क्या चल रहा है? वावा हमारे घर पे आ गई है और उसकी वजह से मैं प्रपाई के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पा रहा। ता कहता है, ठीक है तो मैं अभी अपनी वाली को संभालने आ रहा हूँ। पाई वावा को बाहर ले आती है और उससे पूछती है, कुछ खाएगी? वो कहती है, कुछ मीठा ला दे जिससे थोड़ा बेटर फील होगा। तो प्रपाई उसे स्वीट्स ला कर देती है। बेचारा पूपा प्रपाई को इशारे कर रहा था तो प्रपाई पूपा के पास आकर बैठ जाती है। वो कहता है, इतनी रात हो गई, वावा वापस क्यों नहीं जा रही? प्रपाई कहती है, वावा भी हार्ट ब्रोकन है, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो कहता है, पर वावा तो पिछले 2 महीनों से हार्ट ब्रोकन है, फिजिक्स के फॉरगेटिंग कर्व के अकॉर्डिंग तो उसे अब ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रपाई कहती है, वावा मेरी फ्रेंड है। वो कहता है, तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, मुझे कल फ़ौरन जाना है ना? वो कहती है, ठीक है मैं समझती हूँ, मुझे बस आधा घंटा दो, मैं वावा से बात करती हूँ। वो हाँ करता है। इतने में फिर से डोरबेल बजती है। इनफैक्ट वहाँ पे ता भी आ गया था। तो वावा कहती है, ता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूपा कहता है, ता तुम्हें घर ले जाने आया है। वो कहती है,
किसने कहा मैं घर जा रही हूँ? ताप ऊपर से कहता है मैं सब संभाल लूंगा, और वावा को अंदर रूम में ले जाता है। प्रपाई पूछती है क्या उन दोनों को साथ में जाने देना सही होगा? वो कहता है हाँ, ताने कहा था कि वो सब संभाल लेगा। ताप वावा को रूम में लाकर गेट बंद कर लेता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है कुछ भी नहीं। पर फिर ता को चुप देख कहती है तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं तुम पे गुस्सा क्यों हूँ? वो कहता है तो बताओ तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो? पिछले कई दिनों से मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ना किसी क्लब गया, ना पार्टी की, ना किसी लड़की के साथ डेट पे गया। और उसका हाथ पकड़ कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो अपना हाथ छुड़ा कहती है तुम कब झूठ बोलना छोड़ोगे? थकते नहीं हो क्या? देन तावास लाइक मैंने कब तुमसे झूठ बोला? पर वावा तो उसे रूम से बाहर निकालने लगती है। बाहर बैठा पूपा प्रपाई से कहता है तो चलो रूम में चलते हैं। प्रपाई हाँ करती है। तभी ता रूम से बाहर निकलता है और पूपा पूपा करता हुआ उसे हक कर रोने लगता है। देन पूपा वास लाइक ये लोग मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने ही नहीं देंगे। ता सोने के लिए पूपा के रूम में था और कहता है पूपा तुझे नहीं लगता लड़कियाँ अजीब होती हैं? अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ तब भी गलत, और अगर मैं क्वेश्चन ना पूछूँ तब भी गलत, समझ ही नहीं आता कि करे तो करे क्या। पूपा कहता है तेरी और वावा के बीच में जो भी प्रॉब्लम है तुम लोगों को सुलटा लेनी चाहिए, पर मेरे और प्रपाई के बीच में प्रॉब्लम है कि हम दोनों के पास साथ में ज़्यादा टाइम नहीं बचा। ता कहता है गुस्सा मत कर यार, ये प्रॉब्लम तो ज़्यादातर सभी कपल्स में होती है, ऐसी प्रॉब्लम के आने जाने से तो तुम दोनों का लव स्ट्रांग होगा। पूपा कहता है या तो चुपचाप सो जा या बाहर जा। ता सोने लगा था पर पूपा कहता है जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो क्या तू मेरे लिए प्रपाई का ख्याल रख लेगा? ता कहता है क्यों तुझे डर है क्या मेरे और प्रपाई के बीच में फिर से फीलिंग्स आ जाएंगी? पूपा उसके पिल्लो फेंक के मारता है। वो कहता है मजाक कर रहा था यार। पूपा कहता है जब वो जॉब से लेट हो जाएगी तो क्या तू उसे घर छोड़ने आ जाएगा? वो हाँ करता है। वो कहता है जब वो गुस्सा होगी तो तू उसे टेस्टी खाना बाय करके दे देगा? जब वो तभी ताके खराटों की आवाज़ सुन वो चुप हो जाता है। इधर वावा कहती है मुझे तुम दोनों से जेलसी होती है, पूपा कितना लॉयल बॉयफ्रेंड है। प्रपाई कहती है ता भी तुझे लव करता है, मैं उसे कई टाइम से जानती हूँ, वो इतना सीरियस कभी भी नहीं था, क्या पता तुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। और फिर वावा को गुड नाइट करके सो जाती है। ता खराटे मार रहा था पर पूपा को तो अब भी नींद नहीं आ रही थी। नेक्स्ट डे प्रपाई देखती है कि पूपा जाने के लिए पैकिंग कर रहा है तो पूछती है क्या तुम्हारी सब पैकिंग हो गई? वो मना करता है। वो कहती है क्या तुम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हो? अभी भी हमारे पास टाइम है, हम बाय करने जा सकते हैं। वो कहता है एक चीज़ है, और प्रपाई को पकड़कर बैग के अंदर बिठा देता है। प्रपाई रोने लगती है तो पूपा उसे हक कर लेता है और फिर उसे चुप करा के खड़ा करता है। प्रपाई कहती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है, ये टी शर्ट, तुम्हारी काउबॉय वाली और मेरी वीवर गर्ल वाली, जब तुम इसे पहनोगे तो तुम्हें याद आएगी कि एक वीवर गर्ल तुम्हारा वेट कर रही है। वो कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे अलावा किसी की तरफ ध्यान भी नहीं दूंगा, और उसे टाइट से हक कर लेता है। दोनों ही बहुत सैड थे क्योंकि वो दोनों दूर नहीं रहना चाहते थे। फिर पूपा बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। प्रपाई देखती है कि पूपा वहाँ से चला गया तो वो आइंस्टीन पिलो को हक करके फिर से रोने लगती है। इधर टाइम एक फीमेल एक्टर के साथ हार्ट ब्रेकिंग सीन की एक्टिंग कर रहा था, पर एक्टिंग करते करते टाइम और उस फीमेल एक्टर में स्क्रिप्ट को लेकर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो टाइम की एक्स गर्लफ्रेंड थी और स्क्रिप्ट भी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए ही थी। टाइम तो ये तक बोल देता है कि मैं तुम्हें डेट करने की गलती दोबारा कभी नहीं करने वाला। प्रपाई का तो पूपा के बिना दिल ही नहीं लग रहा था। तभी ताओ से फ़ोन कर कहता है तुम्हारी तो आवाज़ से पता चल रहा है कि तुम्हारा दिल तो फ़ौरन में ही है। वो कहती है ता बताओ क्या बात है? वो कहता है कुछ नहीं, बस पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम ठीक हो या नहीं। चिंता मत करो जब तक तुम्हारा पूपा यहाँ नहीं है मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। वो कहती है तुम्हारी बकवास फिर स्टार्ट हो गई, जाकर वावा का ध्यान रखो। वो कहता है मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर वो तो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो कहती है मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, तुमने जो पास्ट में कांड किए थे उसी का रिजल्ट है ये, तो थोड़ा सब्र रखो। तभी टाइम आकर प्रपाई से पूछता है तुम्हारे मुंह पे 12 के बजे हैं, जो ता भी फ़ोन पे सुन लेता है। प्रपाई कहती है
मुझे परेशान मत करो, आज मैं फाइट के मूड में नहीं हूँ। वो कहता है, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया, मैं तो तुम्हें आज एक जगह पे लेके चलूँगा, वहाँ जाते ही तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। टाइम का डायलॉग सुन तावास लाइक, क्या उल्टी था। प्रपाई कहती है, दिन में सपने लेना बंद करो, मैं कहीं भी नहीं जा रही। वो कहता है, मैं तुमसे पूछ भी नहीं रहा। और प्रपाई का हाथ पकड़ उसे ज़बरदस्ती ले जाता है। देन तावास लाइक, मुझे कुछ करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर टाइम जहाँ प्रपाई को लेके जाता है, ता भी उसके पीछे पीछे, और तो और उसने वावा को भी वहाँ पे बुला लिया था ताकि दोनों मिलकर प्रपाई को टाइम से बचा सकें। टाइम प्रपाई को एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेके आया था जहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, मतलब किसी को किसी की शक्ल भी नहीं दिख रही थी। इनफैक्ट टाइम वहाँ प्रपाई को इसलिए लेके आया था ताकि कोई भी सुपरस्टार टाइम को पहचान ना सके। ता और वावा भी चुपके चुपके आकर उनके पास वाले टेबल पर बैठ जाते हैं। उनकी बातें सुनने के चक्कर में ता से थोड़ा सा वावा का हार्ट टच हो गया था, तो वो उसे मारती है। वो कहता है, सॉरी अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। टाइम प्रपाई को कहता है, जब भी मैं सैड होता हूँ तो अपनी सीक्रेट प्लेस पे जाके चिल्लाता हूँ जैसा तुमने कहा था, थैंक यू मुझे बात बताने के लिए, अच्छा फील होता है। वो कहती है, इट्स ओके, हम फ्रेंड्स हैं ना। वो कहता है, पर अगर मैं फ्रेंड से ज़्यादा बनना चाहूँ तो। प्रपाई कहती है, अच्छा तुम्हारा मतलब ब्रदर सिस्टर से, तुम मेरे ब्रदर बनना चाहते हो। वो कहता है, तुम जानती हो मेरा ये मतलब नहीं था। वो चुप हो जाती है। वो कहता है, पूपा ऑलरेडी फॉरन चला गया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हो सकता हूँ। देन वावा वाज लाइक, ये तो अपना चांस मार रहा है। प्रपाई कहती है, पूपा हमेशा के लिए थोड़ी ना गया है, वो तो बस एक साल के लिए गया है, एक साल का तो पता ही नहीं चलेगा। टाइम कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ जो भी कपल दूर रहते हैं उनमें ब्रेकअप हो ही जाता है, चाहे वो एक दूसरे से कितना भी लव क्यों ना करते हों। वेटर जैसे उन्हें डिश सर्व करने आता है तभी ता प्रपाई को किडनैप करके अपनी जगह पे बिठा देता है और खुद जाकर प्रपाई की सीट पे बैठ जाता है। वावा प्रपाई को लेकर वहाँ से भाग जाती है। टाइम कहता है, प्रपाई उससे ब्रेकअप कर लो और मेरे साथ आ जाओ। ता कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, मैं तो गर्ल्स को लाइक करता हूँ। देन टाइम वॉज लाइक, अभी कौन है तू। ता चिल्लाकर कहता है, अरे ये तो टाइम है, सुपरस्टार टाइम, वाओ मैंने इसकी आवाज़ पहचान ली, ये तो पक्का टाइम ही है। तो सारी फैन गर्ल्स टाइम को पकड़ने लग जाती हैं। टाइम बेचारा अपनी जान छुड़ा के वहाँ से भागता है। ता तो हंस हंस के लोटपोट हो रहा था और वावा को भी हंसी आ जाती है। प्रपाई कहती है, ये तुमने क्या किया। वो कहता है, हम यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आए थे। प्रपाई कहती है, ऐसा कभी दोबारा मत करना, मैं उसे फेस कैसे करूँगी। वावा तुम भी ता के प्लान में शामिल थी ना। तो दोनों उसे सॉरी बोलते हैं। वो कहती है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। नेक्स्ट डे प्रपाई टाइम को मैसेज करती है कि सॉरी मैं कल तुम्हें ऐसे बीच में छोड़कर आ गई थी। तभी वो देखती है कि मिस्टर चो और उसकी गर्लफ्रेंड में झगड़ा हो रहा है और बात ब्रेकअप तक पहुंच गई है। तो प्रपाई आंटी से पूछती है कि उनमें क्या हुआ है। आंटी कहती हैं, वैसे तो मैं कभी दूसरे लोगों के बारे में बातें नहीं करती, पर तुम पूछ रही हो तो पूरी कहानी बता ही देती हूँ। मिस्टर जो की गर्लफ्रेंड को शक है कि मिस्टर जो उसे धोखा दे रहा है। अब तो वो दोनों साथ में रहते हैं तब भी ये हाल है, सोचो कि अगर वो साथ में ना होते तो वो क्या क्या करता। आजकल के लड़कों पे कोई भरोसा ही नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पता नहीं क्या क्या करते होंगे। अरे हाँ, पूपा तो फॉरन में है ना, तो तुम भी केयरफुल रहना, भले पूपा ऐसा नहीं करेगा पर पूपा इतना जीनियस है, हैंडसम है और परफेक्ट है कि उससे तो कोई भी लड़की। प्रपाई कहती है, बस करिए मुझे काम है, जाना होगा। और जाते जाते पूपा को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक लड़की पूपा पर डोरे डाल रही है और उससे पूछती है, चलो साथ में डिनर करते हैं। पूपा कहता है, ओके। प्रपाई पूपा को फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही थी, पहले तो वो नहीं उठाता, फिर जैसे ही प्रपाई को पूपा का कॉल आता है तो वो खुश हो जाती है। बट पूपा कहता है, प्रपाई चलो ब्रेकअप करते हैं। प्रपाई हैरान, प्रपाई ब्रेकअप वाली बात सुन हैरान थी। तभी प्रपाई सपने से उठ जाती है और कहती है, थैंक गॉड ये सपना था, पर सुना है उठने से पहले जो सपना देखते हैं वो सच हो जाता है। और चिल्लाने लगी थी तभी पूपा उसे मैसेज करता है, गुड मॉर्निंग प्रपाई तुम उठ गई।
तो मुझे तुम्हें कुछ कहना है। और फिर प्रपाई को पूपा का फ़ोन आने लगा था। प्रपाई को लगता है कि उसका सपना सच होने वाला है, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाती और नहाने चली जाती है। पर फिर से उसे पूपा का कॉल आता है तो वो उसके बोलने से पहले ही कहती है, मुझे तुमसे अभी बात नहीं करनी। वो कहता है, अरे सुनो तो सही। वो कहती है, नहीं मुझे नहीं सुनना। वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं तो बस ये बता रहा था कि तुम टीवी के पास वाली ड्रॉर देखो, उसमें मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है। वो ओके करती है तो वो फ़ोन काट देता है। प्रपाई ड्रॉर खोल के देखती है। जब वो बॉक्स खोल के देखती है उसके अंदर भी एक नोट था जिस पे लिखे अकॉर्डिंग प्रपाई एक बाउल में पानी भर के उसमें एक मिरर रखती है और फिर ग्लास पे टॉर्च से लाइट मारती है जिससे प्रपाई को रेनबो दिखाई दे रहा था। तो वो खुश हो के रेनबो के साथ सेल्फी लेती है और वही फ़ोटो इंस्टा पे पोस्ट कर देती है और लिखती है कि माई रेनबो आई लव यू। पूपा वो फ़ोटो देख कहता है आई लव यू टू। नेक्स्ट डे जब एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर सबको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था तो प्रपाई को बार बार टाइम का मैसेज आ रहा था जिससे सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो वो सबसे सॉरी बोलती है। फिर प्रपाई देख रही थी कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेमोरी ऑफ लव स्टोरी शॉर्ट फिल्म का प्रोजेक्ट है। तभी टाइम मैसेज करता है, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। पर प्रपाई फिर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं करती और फिर वो फ़ोन पर रिकॉर्डिंग करती हुई कहती है, पूपा आज मेमोरी ऑफ लव स्टोरी की शॉर्ट फिल्म का कॉम्पिटिशन होने वाला है तो मैं भी उसमें कम्पीट करने की सोच रही हूँ। इनफैक्ट तो मुझे वो प्राइज़ नहीं चाहिए, मैं तो हम दोनों की लव स्टोरी की मेमोरी के लिए करना चाहती हूँ। तभी फे आकर उसे कहती है, प्रपाई क्या तुम भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाली हो? प्रपाई कहती है, हाँ मुझे इसके लिए कुछ आइडियाज़ हैं पर समझ नहीं आ रहा कि किसकी हेल्प लूँ। फे कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी, तुमने भी तो कितनी बार मेरे प्रोजेक्ट्स में हेल्प की है, तो इस बार मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। प्रपाई कहती है, इट्स ओके मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। वो कहती है, अरे कोई बात नहीं हम सेम टीम में तो हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्रपाई उसका थैंक यू करती है और कहती है, अभी मैंने सोचा है मैं अपनी फ्रेंड को फीमेल लीड का रोल दूंगी और मेल लीड के लिए किसको चूज़ करूँ। फे कहती है, तुम टाइम से क्यों नहीं बात करती, तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो, अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में एक सुपरस्टार होगा तो ये प्रोजेक्ट और भी जल्दी फेमस हो जाएगा। पर प्रपाई तो टाइम को इग्नोर कर रही थी। इधर प्रपाई की एक फ्रेंड दूसरी को एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें पूपा एक लड़की के साथ था और कहती है, मेरी वही फ्रेंड ने मुझे फ़ोटो सेंड की है, वो भी अभी फॉरेन में ही है। दूसरी फ्रेंड कहती है, तो इसमें चिंता की क्या बात है, अगर पूपा एक लड़की के साथ लंच कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। पहली फ्रेंड कहती है, पर ये वही लड़की है जो पूपा की फर्स्ट लव थी, क्या हमें ये फ़ोटो प्रपाई को दिखानी चाहिए? दूसरी फ्रेंड कहती है, बिल्कुल नहीं, प्रपाई को ये बात बता के हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, क्या पता ऐसा ना हो हम गलत समझ रहे हों। और फिर प्रपाई को आते देख वो फ़ोटो छुपा लेती हैं। फिर वो दोनों से पूछती हैं कि प्रपाई आजकल इतनी बिजी क्यों हैं। तो प्रपाई कहती है, मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाली हूँ जिसके लिए लोकेशन भी ढूंढनी है, जैसे ही मैं इसकी स्क्रिप्ट लिख लूँगी ना तुम लोगों को भी ज़रूर दिखाऊँगी। वो हाँ करते हैं। तभी वहाँ सुपरस्टार टाइम आ जाता है जिससे उसके फ्रेंड्स तो हैरान थीं। टाइम को देख प्रपाई कहती है, टाइम तुम यहाँ कैसे घुस आए? टाइम कहता है, मैंने कहा था ना तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। प्रपाई के दोनों फ्रेंड्स तो टाइम को देख बहुत खुश हो रही थी। पर प्रपाई कहती है, पर मैंने तुमसे ऑलरेडी माफ़ी मांग ली थी ना मैसेज से, तो अब क्या चाहते हो? टाइम कहता है, तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना होगा। प्रपाई बस लाइक व्हाट? प्रपाई के फ्रेंड्स कहती हैं, तुम हैंडसम हो, रिच हो, फेमस हो, हमारा तुम्हें फुल सपोर्ट है। प्रपाई कहती है, तुम दोनों पगला गई हो क्या? ये गलत है, पूपा मेरा बॉयफ्रेंड है। फ्रेंड्स कहती हैं, तो क्या तुम शादीशुदा थोड़ी ना हो, क्यों इतना अच्छा चांस मिस कर रही हो? पूरी दुनिया की लड़कियाँ तुमसे जेलस होंगी क्योंकि तुम गर्ल्स के बेस्ट आइडल के साथ डेट पर जाओगी। फ्रेंड्स आप भी कॉमेंट करके बता सकते हैं कि आपका आइडल कौन है। टाइम कहता है, तुम्हारी फ्रेंड्स मुझे इतना सपोर्ट कर रही हैं तो तुम्हें भी मुझे एक चांस देना चाहिए। पर प्रपाई फ्रेंड्स को खाना एंजॉय करने को बोलकर खुद वहाँ से उठकर चली जाती है। देन टाइम वाज लाइक, ये क्या था, क्या ये रिजेक्शन था? प्रपाई की फ्रेंड्स कहती हैं, टाइम क्या हम तुम्हारे साथ फ़ोटोज़ ले सकते हैं? वो कहता है, ऑफ कोर्स, और उनके साथ फ़ोटोज़ लेने लगा था।
प्रपाई ता को सब बात बताती है तो वो कहता है, मेमोरी ऑफ लव की शॉर्ट फिल्म मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अभी तक सिंगल हूँ तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होगा। प्रपाई कहती है, पर तुमने कहा था तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो ता को सोचने लगता है, तभी वहाँ वावा जाती है तो ता उसे देखने लगता है, पर ता को देख वावा वहाँ से जाने लगी थी तो प्रपाई वावा को पकड़ के वहाँ बिठा लेती है और कहती है, ये रही हमारी फीमेल लीड। वावा वॉज लाइक, मैं? पर फिर खुश होती है। ता कहता है, मैं भी काफ़ी दिनों से फ्री हूँ और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो, तुम्हें फीमेल लीड भी मिल गई है और तुम्हें मेल लीड भी मिल गया है। प्रपाई कहती है, किसने कहा मुझे मेल लीड मिल गया? देन ता वॉज लाइक, मैं हैंडसम ता। और प्रपाई और वावा वॉज लाइक, ये फिर शुरू हो गया। प्रपाई कहती है, मैंने शूटिंग इस लोकेशन पे करने की सोची है क्योंकि पूपा यहाँ मुझे एक बार लेके आया था तो मैंने इस रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात की बट वो बहुत ज़्यादा रेंट बता रहा है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। पर फिर उसने कहा कि वो रेस्टोरेंट के ऑनर से बात करेगा और आज मेरी ऑनर के साथ यहाँ मीटिंग है इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। ता देखता है कि वहाँ टाइम आ रहा है तो कहता है, तूने क्या प्रपाई पर ट्रैकर लगा रखा है? वो जहाँ भी जाती है तू उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। देन टाइम वॉज लाइक, हट, मैं तो उससे बात ही नहीं कर रहा। और फिर चेयर पर बैठ के कहता है, पर इस बार नहीं क्योंकि इस बार मैंने प्रपाई को यहाँ बुलाया है। देन प्रपाई वॉज लाइक, वॉट, तुमने मुझे यहाँ कब बुलाया? वो कहता है, क्या तुम इस रेस्टोरेंट के ऑनर से बात नहीं करना चाहती? वावा पूछती है, तो तुम रेस्टोरेंट के ऑनर हो। तो टाइम प्रपाई को कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को कहता है जिसके अकॉर्डिंग टाइम उसे फ्री में रेस्टोरेंट में शूट करने देगा और वो उसे मेल लीड का रोल देगी। वो साइन कर देती है तो वो कहता है, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हें फ़ाइन भरना होगा और वो भी 4 times, और चला जाता है। पर ताओ उसे घूर रहा था। वावा कहती है, वाओ, मैं एक सुपरस्टार के साथ शूट करूँगी। ता कहता है, वाओ, लगता है ये भूल गया है कि हमने इसे उस दिन बुद्धू बनाया था। फिर हम देखते हैं टाइम रियल ओनर से फ़ोन पे कहता है, थैंक यू अंकल, मुझे इस रेस्टोरेंट का ऑनर बनने का प्रिटेंड करने दिया। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये शॉर्ट फिल्म रिलीज़ होगी आपका रेस्टोरेंट बहुत फेमस हो जाएगा। यानी टाइम इस रेस्टोरेंट का रियल ओनर नहीं है। इधर पूपा अपने वही गिफ्ट को देखने लगा था और फिर काम करने लग जाता है। प्रपाई टाइम और वावा को स्क्रिप्ट समझा रही थी कि उन दोनों को पहले यहाँ बैठकर मेट्रो शावर देखना है और फिर वावा विश मांगने के लिए टाइम का हाथ पकड़ लेगी। तो टाइम पूछेगा, तुमने क्या विश मांगी? वावा कहेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। टाइम प्रपाई को गौर से देख रहा था बट प्रपाई तो स्क्रिप्ट समझा रही थी। वो पूछती है, ओके, सब समझ आ गया? टाइम कहता है, रुको, क्या तुम फिर से रिपीट कर सकती हो? मुझे तो फीलिंग आ रही थी। वो कहती है, नौटंकी बंद करो। इनफैक्ट प्रपाई उस शॉर्ट फिल्म की डायरेक्टर बनी हुई थी और उसके एक्शन करने पे टाइम और वावा अपना रोमांटिक शूट स्टार्ट कर देते हैं। पर उन दोनों को देख ता जेलस हो रहा था क्योंकि वो बेचारा कैमरामैन बना हुआ था। और फिर उन दोनों को हक करते देख प्रपाई से कहता है, ये कैसी स्क्रिप्ट लिखी है? इसमें ऐसे रियल का हक क्यों कर रहे हैं ये? प्रपाई कहती है, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ता कहता है, 18 साल के कम उम्र के बच्चों को ऐसे हक नहीं करना चाहिए। प्रपाई कहती है, पर वावा और टाइम दोनों ही 18 से ऊपर के हैं और वैसे भी ये सिर्फ हागी तो है। तो वावा को हंसी आ जाती है और फिर टाइम आकर प्रपाई से कहता है, ये कितनी बोरिंग लव स्टोरी है, ऐसी लव स्टोरी की एंडिंग तो हमेशा सैड ही होती है। प्रपाई उसे समझाने लगी थी तो वो कहता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा चलती नहीं है। तो प्रपाई सबको रेस्ट करने को कहती है। टाइम कहता है, पहले फ़ोन नहीं उठाते, फिर बिजी होने का बहाना करते हैं और फिर अजीब अजीब हरकतें। प्रपाई कहती है, तुम्हें मेल लीड का रोल करना है ना, तो चुपचाप जाकर शूट करो। तो टाइम शूट करने चला जाता है बट रियल में प्रपाई काफ़ी सैड लग रही थी। प्रपाई कुछ काम कर रही थी, वावा जाने लगी थी तभी वो देखती है प्रपाई कुछ फ़ोटोज़ देख रही है और फिर उसके पूछने में बताती है कि ये ता का वर्क प्रोजेक्ट है, उसकी फ़ोटोग्राफी स्किल अच्छी है ना, इसलिए मैंने उसे फ्रीलांसर फोटोग्राफर हायर किया। तो वावा समझ जाती है कि ता उस लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था और फिर कहती है, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, ये तेरे और पूपा की लव स्टोरी है ना, तू उसे इतना मिस कर रही है कि अपनी लव स्टोरी की ही शॉर्ट फिल्म बना दी, सो रोमांटिक।
टाइम जो खुश होकर पपाई से मिलने जा रहा था उन दोनों की ये बातें सुन लेता है और फिर पपाई के पास जाने के बजाय मैनेजर का कॉल आते ही वापस चला जाता है। पपाई कहती है, भले ही ता पहले प्ले बॉय हुआ करता था पर मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो सच में काफ़ी बदल गया है, क्या तू उसे एक और चांस नहीं देना चाहेगी? वावा कहती है, इनफैक्ट मैं तो खुद उसके सामने रूट बनने का नाटक करती रही क्योंकि मेरी फॉर्चून टेलर ने कहा था कि अभी मेरा लव में लग खराब चल रहा है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। प्रपाई कहती है, यानी फॉर्चून टेलर को बताया सच निकला? वावा हाँ करती है। तभी वहाँ ताज आता है तो वावा कहती है, मैं घर जाने वाली हूँ, क्या तुम फ्री हो? मुझे घर छोड़ दोगे? वो कहता है, हाँ ज़रूर, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ही फ्री हूँ, चलो घर चलते हैं। और दोनों बाय कर चले जाते हैं। इधर टाइम बेचारा ड्रिंक कर रहा था और फिर गिटार बजाता है। थकी हुई प्रपाई घर आती है और पूपा को कॉल करती है बट फोन नहीं लगता तो वो सैड होती है। इधर पूपा रिसर्च में बिजी था और सोचता है अगर ऐसे चलता रहा तो काम जल्दी से कंप्लीट नहीं होगा। तभी एक लड़की आकर उसे पूछती है, ये वीडियो तुम्हें किसने भेजा? पूपा कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने। तो वो लड़की प्रपाई को हैरानी से देखने लगती है। इनफैक्ट उसका नाम कुआंग है और ये प्रपाई की वही फ्रेंड है जिसने हाई स्कूल में प्रपाई से पहले ता को प्रपोज कर दिया था। इधर प्रपाई, आंटी, वावा और ता शॉर्ट फिल्म को देखने वाले थे ताकि उसे रिव्यू कर सके। वावा पूछती है, मेरे लिए टाइम नहीं आया? प्रपाई कहती है, छोटा सा रिव्यू करना है, हम उसे डिस्टर्ब क्यों करें? ता कहता है, अच्छा है वो यहाँ नहीं है, बाकी सब तो मन लगाकर शॉर्ट फिल्म को देख रहे थे पर वावा को टाइम के साथ देख ता जेलस हो रहा था बट फिर वो वावा को खुश देखकर खुश होने लगता है। आंटी तो शॉर्ट फिल्म देख रोने लगी थी और कहती है, ऐसा रोमांटिक लव तो सिर्फ ड्रामास में ही होता है, वैसे कुछ साल पहले मेरा हस्बैंड भी मुझे बहुत लव करता था बट फिर हमारा डाइवोर्स हो गया, जैसा कि फॉर्चून टेलर ने बताया था कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। वावा ता को देख कहती है, आंटी क्या आपको टैरोट कार्ड देख कर फ्यूचर बताना आता है? ता कहता है, हम इस टॉपिक पर कैसे पहुँच गए? सबके सब उसे घूरने लगे थे तो बेचारा दांत निकाल कर अपनी जान बचाता है। आंटी कहती हैं, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। ता भी उनके साथ चलने वाला था। आंटी कहती हैं, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। देन ता वाज लाइक ओके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आंटी कार्ड्स लेके बैठी थी तो प्रपाई पूछती है, आप फॉर्चून टेलर भी हो? आंटी कहती हैं, हाँ मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ पर जॉब में बिजी होने के कारण मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए आज तुम दोनों के लिए फ्री है। वावा कहती है, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ताकि कंफर्म हो सके कि इससे फ्यूचर पता चलता है या नहीं। आंटी के कहने पे वावा तीन कार्ड चूज करती है। तीनों कार्ड देखकर आंटी बताती हैं कि तुम्हारी लव लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है बट अब ठीक होने वाली है। फिर प्रपाई की बारी आती है तो वो भी तीन कार्ड चूज करती है। आंटी कहती हैं, तुम्हारी लव लाइफ में कोई तीसरा आने वाला है, ये लड़की है जो तुम्हारे पास से रिलेटेड थी और पूपा तुम्हें धोखा देगा। प्रपाई सैड होने लगती है। आंटी कहती है, अपने आप को संभालो, मेरे कार्ड्स यही बता रहे हैं और ये हमेशा सही होते हैं। तभी प्रपाई को उसकी फ्रेंड मैसेज करती है कि ये लड़की पूपा का फर्स्ट लव है और उसे फ़ोटो भी सेंड करती है जिसमें पूपा एक लड़की के साथ है। प्रपाई तो और सैड हो जाती है। आंटी कहती है, प्रपाई ये बॉक्स पूपा ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। प्रपाई वो बॉक्स लेकर घर आती है तो देखती है कि उसमें एक गर्ल बॉय का स्टैचू है और एक नोट भी है जिसपे लिखे अकॉर्डिंग प्रपाई उन दोनों स्टैचूज पे मैग्नेट चिपका देती है और उन दोनों को करीब करने लगी थी पर वो चिपकने की बजाय दूर होते हैं। प्रपाई कहती है, अरे चिपक क्यों नहीं रहे, ये तो काम ही नहीं कर रहा, मुझे कुछ करना होगा। इधर आंटी का बेटा प्रपाई वाले कार्ड्स उठाने लगा था तो आंटी देखती हैं कि दो कार्ड साथ में चिपके हुए थे, यानी उन्होंने जो प्रपाई के लिए फ्यूचर बताया था वो सच नहीं है। और कहती हैं, मुझे प्रपाई को बताना होगा कि पूपा प्रपाई को धोखा नहीं देगा, पर अगर मैंने प्रपाई को बताया तो वो कहेगी मेरी भविष्यवाणी सही नहीं है, इसलिए मुझे उसे नहीं बताना चाहिए। तो उनका बेटा कहता है, आर यू रियल मॉम? इधर पूपा प्रपाई को मैसेज करने लगा था तभी क्वांग पूपा को सबको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने को बोल देती है तो वो उसे मैसेज नहीं कर पाता। प्रपाई बड़ी हिम्मत करके एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर से कहती है, मुझे एक हफ्ते के लिए छुट्टी चाहिए। वो पूछता है, क्यों, क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पे जाना है? वो हिचकिचाने लगी थी
तो वो कहता है, तुम चाहो तो एक हफ्ते की छुट्टी ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि तुम्हारे हिस्से का काम तुमने पूरा कर दिया। प्रभाई उसका थैंक यू करती है। वो कहता है, पर जाने से पहले अपने छोटे मोटे काम निपटा देना। उनकी बातें सुन फे कहती है, प्रभाई तुम छुट्टी ले रही हो पर तुम्हारे शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट का क्या होगा, वो तो 3 दिन में है ना, क्या तुमने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया? प्रभाई कहती है, अरे अब मैं क्या करूँगी? फे कहती है, ऐसा करो तुम प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन एक चिप में करके मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट सबमिट कर दूंगी। प्रपाई कहती है, सच में थैंक यू, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना, तो अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। फे हाँ करती है। फिर प्रपाई बैंकॉक से फ़ौरन चली जाती है। इधर पूपा काफ़ी मेहनत करके होलोग्राम बना लेता है, वो भी प्रपाई का, तो खुश होता है। बट होलोग्राम में अभी थोड़े एरर्स थे तो वो फिर से काम में लग जाता है। उसका कलीग पूपा को साथ में लंच पे चलने को कहता है पर पूपा मना कर देता है क्योंकि वो अपना खाना साथ में लाया था और उसे ही खाने लगता है। प्रपाई यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाली थी पर गार्ड कहता है, तुम कहाँ घुसी चली जा रही हो, क्या तुम्हारे पास स्टूडेंट कार्ड है? बट फॉरेन लैंग्वेज होने की वजह से प्रपाई को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। प्रपाई कहती है, नहीं मुझे तो बस मेरे फ्रेंड से मिलना है। गार्ड कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ स्टूडेंट से जा सकते हैं। तो वो उनसे मिन्नतें करने लगी थी तभी एक आदमी आकर कहता है, ये मेरे फ्रेंड की सिस्टर है, मुझसे न्यू रेसिपी सीखने आई है, तो इसे अंदर जाने दो। गार्ड मान जाता है। इनफैक्ट वो आदमी भी बैंकॉक से ही है और उसके पूछने पे प्रपाई बताती है कि मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ, वैसे थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वो कहता है, मैं इस यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ, अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो मेरे रेस्टोरेंट में आ जाना। वो कहती है, डोंट वरी, खाने के मामले में तो मैं कुछ भी मिस नहीं करती। और फिर थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन के बाद वो यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाती है। तभी वो वहाँ क्वांग को जाते देख लेती है। उसे देख क्वांग सोचती है, ये पूपा के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। प्रपाई कहती है, क्वांग मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ मिलेंगे, तुम्हें याद है ना मैं प्रपाई तुम्हारी हाई स्कूल की फ्रेंड। क्वांग कहती है, तो मुझे तुम्हें अपनी फ्रेंड कहना चाहिए या अपने एक्स की फ्रेंड कहना चाहिए? प्रपाई वॉज लाइक, मजाक मत कर। तो क्वांग उसे अंदर लेके जाती है। इधर एक कली कहता है, पूपा तुझे पता है जो अब सेमिनार होगा उसमें एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आने वाला है। पूपा कहता है, मुझे पता है, डॉक्टर गुवई। देन ही वॉज लाइक, तुझे कैसे पता चल गया? पूपा कहता है, क्योंकि वो मेरे आइडल हैं। पर पूपा वहाँ नहीं जा सकता था क्योंकि प्रोफेसर ने इसके लिए किसी सीनियर को सिलेक्ट कर लिया था। तभी क्वांग आकर बताती है कि सीनियर अभी किसी और काम में बिजी है, तो पूपा को प्रोफेसर से बात करके सीनियर की जगह जाने का मौका नहीं खोना चाहिए। कलीग कहता है, क्वांग तुमने पूपा को अपने साथ ले जाने के लिए ही ये तरीका ढूंढा है ना, ताकि तुम इसके साथ टाइम स्पेंड कर सको। मुझे लगता है बैंकॉक में जो पूपा की गर्लफ्रेंड है ना वो तो। तभी पूपा पूपा करती हुई प्रपाई वहाँ आ जाती है तो वो चुप हो जाता है। प्रपाई को देखते ही पूपा भागकर चाह उसे हक कर लेता है और बहुत खुश थे क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत मिस किया था। देन कलीग वॉज लाइक, जो मैंने कहा था इसने सुना तो नहीं? पर क्वांग जेलसी भरी नजरों से उन दोनों को देख रही थी। फिर सब पूपा के साथ साथ लंच करने आ जाते हैं। कलीग कहता है, पूपा तू तो बड़ा दयालु है। एंड पूपा वॉज लाइक, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट दे रहा हूँ। कलीग कहता है, चल कोई बात नहीं, मुझे तो थोड़ा बहुत ही मिलेगा तब भी चलेगा, वैसे भी हम तो यहाँ रोज आते रहते हैं। पर पूपा तो हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिजी रहता है, लगता है ये अपने इंस्ट्रूमेंट सिखाता होगा। तो प्रपाई हंसने लगती है। कलीग प्रपाई को सूप सर्व करने लगा था। देन पूपा वॉज लाइक, रहने दे मैं कर दूंगा। क्वांग ये सब नोटिस कर रही थी। पूपा प्रपाई को सूप सर्व करता है पर प्रपाई क्वांग को सूप सर्व करती है। फिर प्रपाई मजे मजे से खाने लगी थी। पूपा और प्रपाई को खुश होते देख क्वांग अजीब रिएक्ट कर रही थी। पास में बैठी एक लड़की का बर्थडे था तो वो लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। प्रपाई भी उस लड़की को बर्थडे विश करती है। वो बर्थडे गर्ल भी बैंकॉक से थी तो वो प्रपाई को बर्थडे केक दे देती है, जिससे प्रपाई और भी मजे लेकर खाने लगी थी। पूपा और प्रपाई तो एक दूसरे में ही बिजी हो गए थे तो कलीग पूपा को अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने को कहता है। क्वांग कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, प्रपाई को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। सब हैरान थे। प्रपाई कहती है, हाँ ये मेरी स्कूल फ्रेंड है पर इसने बाद में ट्रांसफ़र ले लिया था, तब से हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए। क्वांग कहती है, क्योंकि मैं बाद में पूपा के स्कूल में ट्रांसफ़र हो गई थी। पूपा हम काफ़ी क्लोज है ना? ये सुन प्रपाई थोड़ा सैड होती है।
क्वांग पूछती है, प्रपाई और ता कैसा है? पूपा कहता है, तुम ता को भी जानती हो? क्वांग कहती है, हाँ हम तीनों हर चीज़ साथ में किया करते थे, इतने सालों बाद भी मेरा प्रपाई का वही कनेक्शन है। कलीग कहता है, यानी तुम दोनों पूपा को लाइक करती हो? क्योंकि क्वांग तो पूपा के साथ उसके स्कूल में थी, इसका मतलब क्वांग पूपा का फर्स्ट लव है? ये सुन प्रपाई सैड होती है और पूपा की तरफ देखती है। इससे पहले कि प्रपाई पूपा से कुछ पूछती, तभी वेटर आकर कहती है, आज हम कपल्स को डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई कपल्स हैं? तो कलीग कहता है, हाँ ये दोनों। वो कहती है, अगर आप दोनों डिस्काउंट लेना चाहते हो तो हमें आपकी खाना खाते टाइम किस करने की फ़ोटो खींचनी होगी। कलीग कहता है, पूपा वाओ अच्छा चांस है, बता तू किसे चूज़ करेगा, फर्स्ट लव या गर्लफ्रेंड? तो पूपा खाना उठाकर प्रपाई की तरफ करता है। वो दोनों क्लोज हो खाने लगे थे, इससे पहले कि उन दोनों का किस होता, ये देख क्वांग गुस्से से खड़ी होती है, जिससे उससे सॉस गिर जाती है, वो भी प्रपाई के कपड़ों पे, और उन दोनों का जो किस होने वाला था वो कैंसिल हो जाता है। क्वांग प्रपाई को वॉशरूम में लेके आती है, प्रपाई अपने कपड़े साफ कर रही थी तो वो भी उसके कपड़े साफ करने में हेल्प करती है। प्रपाई उसका थैंक यू करती है तो वो पूछती है, तू पूपा को कैसे जानती है? प्रपाई कहती है, पूपा ता का फ्रेंड है और हम एक दूसरे को काफ़ी महीनों से जानते हैं। क्वांग कहती है, यानी तू पूपा को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती? प्रपाई पूछती है, क्या तुम पूपा की फर्स्ट लव हो? क्वांग कहती है, फर्स्ट लव को भूलना इतना आसान नहीं। प्रपाई कहती है, तुम काफ़ी बदल गई हो, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुम मुझसे किसी बात पर गुस्सा हो तो बता दो, क्योंकि तुम अब भी मेरे लिए मेरी फ्रेंड हो। क्वांग कहती है, फ्रेंड किन सपनों में जी रही हो? हम सेम इंसान को लाइक करते थे तो हम फ्रेंड्स कैसे हुए? इनफैक्ट हम तो कभी फ्रेंड्स थे ही नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे ये बात छुपाई थी कि उस दिन स्कूल टाइम पे वैलेंटाइंस वाले दिन तुम ता को कन्फेस करने वाली थीं। और चली जाती है। प्रपाई कहती है, तुम्हें मालूम था तब भी तुमने उसे कन्फेस किया? पूपा कलीग को अजीब वे से देख रहा था, क्योंकि उसी ने तो फर्स्ट लव वाली बात फैलाई थी, तो वो बहाना मार के भाग जाता है। जब प्रपाई और क्वांग खाने लगी थी तो सिर्फ एक लास्ट पीस बचा था, इसलिए प्रपाई क्वांग के लिए छोड़ देती है। क्वांग जानबूझ के वो पीस पूपा को दे देती है, पर पूपा वो पीस प्रपाई को दे देता है। तो प्रपाई स्माइल करती है। क्वांग कहती है, प्रपाई भी सेम ऐसे ही किया करती थी, जब लास्ट पीस बचता था तो वो ता को दे देती थी। फर्स्ट लव को भूलना इतना आसान नहीं है ना। प्रपाई सैड होती है। पूपा कहता है, पास्ट का लव, लव की सिर्फ एक दूसरी डायमेंशन है, आपकी डायमेंशन में तो सिर्फ आपका लव इम्पॉर्टेंट है। और प्रपाई का हाथ पकड़ता है और वो दोनों चले जाते हैं। और फिर जाते जाते वो प्रपाई को कहता है, क्वांग मेरी फर्स्ट लव नहीं है तो टेंशन मत लो। वो खुश होती है। फिर पूपा प्रपाई को अपने रूम पे लेके आता है। पूपा को कॉल आ गया था तो वो कॉल पिकअप करने बाहर चला जाता है। कलीग प्रपाई को कहता है, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ चीज़ रखी है, समझो कि मैंने वेलकम गिफ्ट दिया है, अच्छे से इंजॉय करना। प्रपाई हैरानी से हाँ करती है तो कलीग वहाँ से भाग जाता है। प्रपाई कहती है, ये किस गिफ्ट के बारे में बात कर रहा था? और फिर वो पूपा के रूम में आके अपना बैग खोलने लगी थी, तभी उसकी नज़र एक छोटे से बॉक्स पे पड़ती है जिसके अंदर कुछ पैकेट्स रखे थे। इतने में पूपा वहाँ आ जाता है तो कहती है, पूपा तुम मुझे धोखा दे रहे हो? वो कहता है, तुमने ये खरीदा है? वो कहती है, पागल हो गए क्या? वो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्रपाई को कलीग की गिफ्ट वाली बात याद आती है तो वो सब समझ आती है। रात में सोने के लिए प्रपाई बेड पे बैठी पूपा का वेट कर रही थी, बट पूपा तो सोने के लिए नीचे बिस्तर बिछाने लगा था। वो उसका पिल्लो अपनी तरफ खींच के कहती है, नहीं तुम बेड पे सो जाओ। वो कहता है, नहीं तुम बेड पे सो जाओ। पिल्लो की खींचा जाने की वजह से पूपा प्रपाई के ऊपर गिर जाता है। करीब होने पर दोनों नर्वस हो रहे थे। पूपा उस बॉक्स की तरफ देखने लगा था और फिर प्रपाई को किस करने के लिए क्लोज होता है, पर तभी बाहर की आवाज़ आने से दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। पूपा एकदम झटके से उठ जाता है और कहता है, मैं नीचे सो जाऊंगा। तो प्रपाई भी गुड नाइट करके जल्दी से मुँह छुपा लेती है। रात में उन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़े पकड़े ही सो जाते हैं। मॉर्निंग में प्रपाई ता को फ़ोन करके पूछती है कि तूने क्वांग से ब्रेकअप क्यों किया था? वो कहता है, तुम सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो? वो कहती है, क्वांग भी पूपा के साथ फॉरन में ही रिसर्च कर रही है, बट ऐसा लगता है कि वो किसी वजह से मुझ पर गुस्सा है। ता कहता है, सच बताऊँ तो
मैंने क्वांग से ब्रेकअप नहीं किया था, बल्कि क्वांग ने ही मुझे डंप किया था, क्योंकि उसे मेरा तुम्हारे आसपास रहना पसंद नहीं था। प्रपाई हैरान थी और कहती है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो कहता है, मैं क्यों बताऊंगा कि किसी लड़की ने मुझे डंप कर दिया? बल्कि मेरा तो फायदा है ना, जब लोग कहेंगे कि मोस्ट हॉट एंड हैंडसम ता ने उस लड़की को डंप कर दिया। वावा भी उसकी बातें सुन रही थी और कहती है, मोस्ट हॉट एंड हैंडसम ता किससे बात कर रहा है? वो कहता है, नहीं तो मैं तो प्रपाई से बात कर रहा हूँ। यकीन नहीं तो चेक कर लो। जब प्रपाई को पता चलता है कि ता और वावा डेट करने लगे तो वो उनके लिए खुश होती है। फिर वो वीवर गर्ल वाली टी शर्ट पहन के पूपा से मिलने आती है। पूपा तो उसे देख काफ़ी खुश हो गया था और पूपा टेलीस्कोप लेकर उसे स्टार दिखाने आता है। वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर ही रहे थे तभी कबाब में हड्डी बनने क्वांग वहाँ जाती है और जानबूझ के पूपा से साइंस रिलेटेड बातें करने लगी थी। प्रपाई पूपा को पानी लेने भेज देती है और क्वांग से कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हारे और पूपा में पहले क्या रिलेशनशिप था, पर अब मैं और पूपा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्वांग कहती है, तुझे लगता है तू पूपा के साथ ज़्यादा टाइम टिक पाएगी? क्या पूपा ये चाहेगा कि वो एक ऐसी लड़की के साथ रहे जो उसकी बातों को ही ना समझ पाए? प्रपाई कहती है, मैंने पिछली बार तुझे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तू मेरी फ्रेंड थी, पर अब की बार मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी। तभी पूपा वहाँ आ जाता है तो प्रपाई उसे लेके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे प्रपाई पूपा को साथ में रेस्टोरेंट चलने को कहती है, बट वो काम में बिजी होने की वजह से चला जाता है। वो थोड़ी सैड थी। फिर वो उसी रेस्टोरेंट के ऑनर की डिश खाती है जो बहुत टेस्टी थी, पर वो ऑनर बताता है कि वो जल्दी रेस्टोरेंट को बंद करने वाला है क्योंकि उसके कस्टमर्स काफ़ी कम हैं। तो प्रपाई को आइडिया आता है कि वो उस रेस्टोरेंट की डिशेस की एडवर्टाइजमेंट करेगी, जिससे सेल्स बढ़ेंगी तो ज़्यादा कस्टमर आएंगे और रेस्टोरेंट बंद भी नहीं होगा। पूपा लंच के लिए जाने लगा था तो क्वांग कहती है, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी भूख लगी है। तभी वो दोनों देखते हैं कि प्रपाई किसी से हंस हंस के बातें कर रही है तो जेलस पूपा आकर कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? प्रपाई हंस पड़ती है और कहती है, ये रेस्टोरेंट के ऑनर हैं जिनकी मैं एडवर्टाइजमेंट करने वाली हूँ। पूपा कहता है, ओ अच्छा सॉरी, अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो बता देना। क्वांग कहती है, पूपा तुम्हें रिसर्च में अपना टाइम लगाना चाहिए। प्रपाई कहती है, कोई नहीं, सारा काम मैं अपने आप संभाल लूँगी, चलो साथ में लंच करते हैं। और पूपा को अपने साथ बिठा लेती है। इधर टाइम काफ़ी परेशान था क्योंकि वो अभी तक नया सॉन्ग नहीं लिख पाया था, तो वो प्रपाई को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि वो कब वापस आने वाली है। प्रपाई कहती है, अभी कुछ हफ्ते लगेंगे। वो कहता है, यानी तुम लव डे पे नहीं आ पाओगी? वो कहती है, लव डे? थैंक यू मुझे ये इंपॉर्टेंट दिन याद दिलाने के लिए, आई लव यू। टाइम तो कुछ मिनट्स के लिए शॉक हो गया था, पर फिर उसका मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है तो वो सॉन्ग बनाने लगता है। इधर प्रपाई जब स्पाइसी खा रही थी और फिर जब पूपा की भेजी हुई चॉकलेट खाती है तो उसे एक ड्रिंक बनाने का आइडिया आता है कि वो स्पाइसी और मीठे को ऐड करके एक स्पेशल ड्रिंक बनाएगी। फिर वो रेस्टोरेंट की डिशेस की ऐड देती है जिसमें वो सबको फ्री में ड्रिंक टेस्ट करने को देते हैं, जो सबको बहुत टेस्टी लगती है। क्वांग प्रपाई की स्पाइसी और मीठे ड्रिंक की बातें बनाने लगी थी तो प्रपाई कहती है, थैंक यू, मुझे आइडिया तुम्हीं से आया है कि लव सिर्फ स्वीट ही नहीं होता, वो स्पाइसी भी होता है। तो क्वांग वहाँ से चली जाती है। बॉयज़ कहते हैं, ये लड़की सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी टैलेंटेड भी है। और फिर प्रपाई से फ्लर्ट करते हुए कहते हैं, क्यों ना आज इसी के साथ लंच किया जाए? पर प्रपाई को उनकी फॉरेन लैंग्वेज समझ नहीं आती। पूपा कहता है, बिल्कुल नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो सिर्फ मेरे साथ ही लंच कर सकती है। तो वो बॉयज़ वहाँ से चले जाते हैं और प्रपाई हैरानी से देख रही थी, बट पूपा स्माइल कर रहा था। फिर प्रपाई पूपा से पूछती है, वो बॉयज़ क्या कह रहे थे? वो कहता है, वो तुम्हारी ड्रिंक की तारीफ़ कर रहे थे। तो वो खुश होती है। फिर पूछती है, क्या तुम घर साथ में चलोगे? वो कहता है, तुम चली जाओ, मुझे अभी लैब में काम है तो टाइम लगेगा। वो थोड़ा सैड भी होती है, बट वो जानती थी कि पूपा काम में बिजी है। रात में जब वो दोनों सोने लगे थे तो प्रपाई कहती है, कल लव डे है तो हम लोग क्या करेंगे? पर तभी पूपा को प्रोफेसर का फ़ोन आता है जो पूछते हैं कि पूपा उस सेमिनार में जाने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों है। वो कहता है, क्योंकि गूवी मेरा आइडल है, उनसे बात करके मुझे उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। प्रोफेसर कहते हैं, ठीक है तो तुम मेरे असिस्टेंट बनकर सेमिनार में चलना। वो खुश होता है पर फिर पूछता है, क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ ले जा सकता हूँ? वो हाँ कर देते हैं।
तो पूपा और भी ज़्यादा खुश होता है और कहता है, प्रपाई मुझे कल सेमिनार में जाना है और रात में भी वहीं रुकना पड़ेगा। वो कहती है, इट्स ओके, पर तुम किसी से पंगा मत लेना। वो कहता है, मैं तुम्हारे सामने किसी से पंगा कैसे ले सकता हूँ। वो कहती है, मेरे सामने यानी मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वो हाँ करता है तो वो बहुत खुश होती है। वो कहता है, पर वहाँ तुम कोई शूट वूट और किसी हैंडसम सुपरस्टार से नहीं मिल पाओगी। वो कहती है, तुम टाइम की बात कर रहे हो ना। सच कहूँ तो मुझे टाइम इतना हैंडसम नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो जीनियस पसंद है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। दोनों को कल सेमिनार में जाना था इसलिए जल्दी जल्दी सो जाते हैं। ताब आवा को छोड़ने उसके घर आया था तो वो उसका थैंक यू कर चली जाती है। चलो ता की कोशिश रंग ला रही है। तभी ता को उसके डैड का कॉल आता है और वो एकदम से सैड हो जाता है। इधर पपाई को देख क्वांग कहती है, तुम्हें सेमिनार मुश्किल से ही समझ में आएगा, स्पेशली डॉक्टर गुवी की बातें। वो कहती है, ये डॉक्टर गुवी कौन है। पूपा कहता है, डॉक्टर गुवी फेमस एंड सक्सेसफुल फिजिशियन हैं और वो मेरे आइडल भी हैं। प्रोफेसर आकर पूपा को बताते हैं कि उसे अपने प्रोजेक्ट की स्पीच भी देनी है, इसलिए सेमिनार से पहले प्रपाई पूपा को टेंशन ना लेने को कहती है। पर क्वांग कहती है, इस टॉपिक के माइन्यूट डिटेल्स के बारे में बताना मत भूल जाना, स्पेशली लाइट वेव्स के बारे में। तो वो हाँ करता है और प्रपाई उन्हें देख रही थी। नेक्स्ट पूपा की बारी आती है तो क्वांग प्रपाई से कहती है, एक साइंटिस्ट के लिए कोई ऐसा हेल्प करने वाला होना चाहिए जिसे साइंस की नॉलेज हो, वरना तुम सिर्फ उसके साथ डेट पे ही जा पाओगी, जबकि एक साइंटिस्ट ज़्यादातर टाइम लैब में ही रहता है। तो प्रपाई पूपा को देखने लगती है। पूपा की स्पीच अच्छी जाती है तो सब क्लैप करते हैं। वो पूछता है, प्रपाई मेरी स्पीच कैसी थी। वो कहती है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि तुमने क्या कहा। क्वांग कहती है, तुमने अच्छी स्पीच दी पूपा, पर तुम्हें लीनियर मटेरियल्स के बारे में भी बताना चाहिए था। पूपा कहता है, हाँ मैं वो जल्दी जल्दी में बता नहीं पाया था। उन दोनों को बातें करता देख प्रपाई सैड होती है और फिर वॉशरूम का बोलकर वहाँ से जाने लगी थी। पूपा भी प्रपाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था तो वो चली जाती है। प्रोफेसर आकर पूपा को बताते हैं कि अनलकीली डॉक्टर गुवी आज यहाँ नहीं आ पाएंगे। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, उनसे बात करके रहूँगा। इधर प्रपाई सैड थी पर बटरफ्लाइज को देख खुश हो जाती है। वो उनके पीछे पीछे जाने लगी थी तो गार्ड फॉरेन लैंग्वेज में कहता है, तुम वहाँ मत जाओ, आगे जंगल है जो काफ़ी डेंजरस है और रात होने वाली है तो तुम रास्ता भटक जाओगी। पर प्रपाई को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती और वो बटरफ्लाइज के पीछे पीछे भाग जाती है। पूपा देखता है कि प्रपाई अभी तक नहीं आई तो वो भाग के बाहर आता है। प्रपाई उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी तो वो गार्ड से पूछता है। गार्ड बताता है कि वो लड़की तो जंगलों में चली गई जहाँ इतना अंधेरा है, अब तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, पता नहीं वो मिल पाएगी भी या नहीं। इधर प्रपाई अभी भी बटरफ्लाइज पकड़ रही थी पर फिर अचानक से सैड हो जाती है और रोने लगी थी। पूपा प्रपाई को ढूंढते ढूंढते जंगलों में आ गया था। प्रपाई जंगलों में ही खो जाती है और उसे बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था तो वो पूपा को फ़ोन करने लगी थी, बट उसके फ़ोन की बैटरी डाउन थी। तभी उसे याद आता है कि पूपा ने बताया था कि कॉन्स्टलेशन को फॉलो करके वो सही डायरेक्शन को ढूंढ सकती है। तो कहती है, याद आया, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ पूपा। पर फिर डरावनी आवाज़ें सुन उसे डर लगने लगा था तो भागती भागती गिर जाती है और फिर पीछे देखती हुई उठ के भागती है। जैसे ही उसे कोई पकड़ता है वो डर के मारे चिल्लाने लगी थी। पूपा कहता है, ये मैं हूँ प्रपाई। तो वो पूपा को हक कर रोने लगती है। वो कहता है, इट्स ओके, मैं हूँ ना, तुम अकेली को जंगल में आ गई थी, पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। वो कहती है, क्योंकि मुझे तुम लोगों की बातें समझ नहीं आ रही थी इसलिए मैं बाहर घूमने आ गई और जंगलों में खो गई। वो कहता है, आई एम सॉरी। प्रपाई देखती है कि पूपा के कंधे पे एक कैटरपिलर है, पर पूपा उस कैटरपिलर को देख चिल्लाने लगा था तो प्रपाई उस कैटरपिलर को भगा देती है और हंस रही थी। देन पूपा वॉज लाइक, काफ़ी रात हो गई तो चलो चलते हैं, और उसका हाथ पकड़ता है। वो कहती है, तुम ही हमेशा मेरी हेल्प करते हो। वो कहता है, किसने कहा, अभी तुमने भी तो कैटरपिलर को भगा के मेरी हेल्प की है ना। उस दिन स्पाइसी स्वीट ड्रिंक वाले दिन भी कोई साइंटिस्ट जितना मर्जी स्मार्ट हो वैसा तरीका कभी नहीं सोच पाएगा, हर कोई अपने काम एक्सपर्ट होता है और तुम भी अपने काम में हो, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। पूपा प्रपाई को किस करने के लिए करीब होता है तभी उन पर कोई लाइट मारता है।
इनफैक्ट वो गार्ड्स थे जो उन्हें ढूंढ रहे थे और कहते हैं कोई नहीं तुम चालू रखो, और चले जाते हैं। पर पपाई और पूपा को हंसी आ रही थी तो वो भी चले जाते हैं। वो दोनों होटल के रूम में आ गए थे। पपाई नहाने के लिए वॉशरूम जाती है। पूपा जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, ग्लास के आर पर पपाई कपड़े बदलती हुई दिख रही थी। वो उसे देख चिल्ला पड़ती है तो पूपा जल्दी से मुंह फेर लेता है। वो कपड़े पहन के बाहर आती है और कहती है बाथरूम में इतना बड़ा शीशा लगा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता है मुझे भी नहीं पता था। ऐसा करता हूँ जब तक तुम नहा रही हो तब तक मैं रूम के बाहर चला जाता हूँ। वो कहती है रहने दो, बाहर इतनी गर्मी है और तुम भी पूरा दिन काम करके थक गए होंगे। वो कहता है तो तुम नहाओगी कैसे, क्या तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ देखूँ। वो कहती है पगला गए क्या, मैं ऐसे कपड़े पहने पहने नहा लूँगी। वो कहता है तुम्हें भूख लगी होगी ना तो कुछ खा लो, तब तक मैं शीशे का कुछ करता हूँ। तो वो हाँ करती है। जब तक पपाई डिनर करती है तो पूपा शीशे पे कपड़ा टांग देता है ताकि उसके आर पार कुछ भी ना दिखे। पर पपाई जब नहा रही थी पूपा की हार्ट बीट बढ़ रही थी। वो जैसी बाहर आती है वो उसे नेकलेस दिखाकर कहता है हैप्पी लव डे। वो थैंक यू करती है तो वो उसे अपने हाथों से वो नेकलेस पहनाता है। पपाई कहती है कितने दुख की बात है ना, लव डे का आधे से ज़्यादा दिन तो ऐसे ही निकल गया। वो कहता है सैड मत हो, ये तो सिर्फ एक दिन का नाम है, मैं तो तुम्हें हर रोज़ लव करूँगा। वो कहती है यानी नेकलेस का मतलब है हमारा लव कभी चेंज नहीं होगा। वो कहता है एक चीज़ हमारे लव को बयान नहीं कर सकती, हमारा लव पाई की वैल्यू की तरह कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदलेगा। वो खुश होती है। फिर पूपा उसे किस करने लगता है और दोनों की किसिंग स्टार्ट हो गई थी। बेड पे आते ही वो उससे पूछता है क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। वो हाँ करती है और उसके शर्ट के बटन ओपन करने लगा था। आखिर वो दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। पर उसके बाद दोनों ही काफ़ी शर्मा रहे थे और एक साथ कहते हैं पहले तुम उठो। तो पूपा पहले उठकर चला जाता है। पर पपाई अब भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। नेक्स्ट डे पपाई फ़ौरन से आने वाली थी इसलिए वो काफ़ी सैड थी। वो कहता है कोई नहीं मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। वो कहती है तुम ये लेटर कुआंग को दे देना और ये पेन ड्राइव मेरे जाने के बाद देखना। वो हाँ करता है तो दोनों टाइट से हक कर लेते हैं। बैंकॉक वापस आकर पपाई काफ़ी सैड थी। टाइम उसे अपनी कार में लिफ्ट देने को कहता है बट वो मना करके चली जाती है। पूपा पपाई की दी हुई पेन ड्राइव देखता है जिसमें पपाई उसे मेमोरी ऑफ लव की शॉर्ट फिल्म के बारे में बता रही थी जो उसने उस दिन रिकॉर्ड किया था। और फिर पूपा उसे वीडियो कॉल करता है तो वो कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी रिसर्च पे फोकस कर लो, तुम काफ़ी बिजी होगे ना। नेक्स्ट डे जब पपाई कंपनी आती है तो कार्टून उसे बताती है कि हमारी कंपनी शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन जीत गई, देख टाइम की एक्टिंग कितनी बढ़िया लग रही है, फे का प्रोजेक्ट तो बिंदास निकला और उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी एकदम बिंदास थी, वो कितनी बढ़िया एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर बनेगी। पपाई हैरानी से कहती है फे। वो कहती है हाँ फे, वो बहुत खुश है, बॉस भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। पपाई हैरान। इधर टाइम का मैनेजर टाइम को बताता है कि उसकी शॉर्ट फिल्म काफ़ी फेमस हो गई थी। बट टाइम ये देख हैरान था कि पपाई की जगह फे का नाम क्यों लिखा है, इसलिए वो जल्दी से भागता है। फे किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी कि आप चिंता मत करिए मैं आपकी एडवर्टाइजिंग को भी फेमस कर दूंगी जैसे मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म में अपना बेस्ट किया है। पपाई कहती है शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टिंग में तुम्हारा नाम क्यों है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो। फे कहती है क्या एक्सप्लेन करूँ, सब लोग मेरी शॉर्ट फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, मुझे खुद पे बहुत प्राउड है। पपाई कहती है पर वो शॉर्ट फिल्म का प्रोजेक्ट तो मैंने किया है ना। फे कहती है हाँ पर तूने सबमिट तो नहीं किया ना, और तू टाइम जैसे सुपरस्टार को भी इसी कंपनी की वजह से ही जान पाई है, वरना तेरी औकात कहाँ। पपाई कहती है मुझे एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर से बात करनी होगी, और चली जाती है। पर फे काफ़ी टेंशन में लग रही थी। पर एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर का ना फ़ोन लगता है ना वो कहीं भी मिल रहा था। फिर एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर का मैसेज आता है कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। पर तभी पपाई फे को एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर से बातें करते देख लेती है तो कहती है वो शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट मैंने किया है, तुम जानते हो ना, डायरेक्टर बहाने बनाने लगा था। पपाई कहती है मुझे अभी के अभी सच बताओ वरना मैं बॉस को सब सच बता दूंगी। फे कहती है तू हमें धमका रही है। डायरेक्टर कहता है मैंने लॉयर से बात की, उसने बताया कि
एम्प्लॉय का कोई भी प्रोजेक्ट कंपनी के नाम से ही जाना चाहेगा। तो अगर फी अपना नाम ले रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रपाई कहती है। पर एक्टर और फोटोग्राफर मेरे फ्रेंड्स थे, कंपनी ने उन्हें कोई सैलरी नहीं दी, उन्होंने मेरे कहने पे काम किया। डायरेक्टर कहता है, पर तुम तो कंपनी की एम्प्लॉय हो ना, हमने क्रेडिटर में सब स्टाफ के साथ साथ तुम्हारा नाम भी लिखवा दिया है। प्रपाई कहती है, तुम स्टार्टिंग से ही सब जानते थे ना, क्या तुम्हें लगता है तुमने जो किया वो सही है? डायरेक्टर कहता है, कंपनीज ऐसी काम करती हैं, तुम कंपनी के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। फी कहती है, तू ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंपनी की बदौलत कर पाई, वरना तेरे जैसी लड़की जिसने एडवर्टाइजिंग से ग्रेजुएशन भी नहीं की, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ले ये हो ही नहीं सकता। इसलिए शॉर्ट फिल्म की सेलिब्रेशन पार्टी में तू भी ज़रूर आना, आखिर तेरा भी तो इसमें हिस्सा है। प्रपाई काफ़ी सैड होती है क्योंकि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ टाइम की एंट्री होती है। वो कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तुम स्टॉकर हो क्या? वो कहता है, नो आई एम सुपरस्टार। वो कहती है, तुम्हें कुछ काम धंधा नहीं है क्या? वो कहता है, हम फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए मैं तुम्हें अकेले सैड नहीं देख सकता। कंपनी के कुछ लोग उन्हें घूर रहे थे तो प्रपाई जल्दी से टाइम के साथ चली जाती है। पर फे उन्हें जाते हुए देख रही थी और उसकी इवल स्माइल बता रही थी कि उसने ज़रूर कोई कांड किया है। इधर पूपा जल्दी जल्दी रिसर्च कंप्लीट करने में लगा पड़ा था ताकि जल्दी जल्दी प्रपाई के पास जा सके। टाइम प्रपाई को एक कैफ़े में लेकर आता है और प्रपाई के लिए काफ़ी सारे स्वीट्स ऑर्डर करता है ताकि उसे बेटर फील हो। और फिर प्रपाई को सैड देख कहता है, तुम्हें उनके खिलाफ केस करना चाहिए, मैं तुम्हें लॉयर से मिलवा दूंगा। वो कहती है, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है ये बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है वो सही है, कंपनी के एम्प्लॉय का काम कंपनी का ही तो है। वो कहता है, पर वो प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम से होना चाहिए था, ना कि फे के नाम से। ऐसा करना, कंपनी छोड़ दो और सब कुछ इंस्टा पे पोस्ट कर दो, हैशटैग डालना मेमोरी ऑफ लव का सीक्रेट और हॉट सुपरस्टार टाइम। प्रपाई वाज लाइक नो। फिर वो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैशटैग बताता है बट प्रपाई सब मना कर देती है। वो कहता है, मुझ जैसा हॉट सुपरस्टार तुम्हारे लिए हैशटैग सोच रहा है और तुम्हें कोई पसंद क्यों नहीं आ रहा? वो कहती है, ऐसे तो मैं फायर्ड हो जाऊंगी, मुझे बैंकॉक में जॉब करनी है तो फे की बातें माननी पड़ेंगी। वो कहता है, तो तुम ऐसे जाने दोगी? वो कहती है, तो मैं क्या करूँ, सोचू कि ये मेरे बैड लक था। वो कहता है, क्या पूपा को इस बारे में पता है? वो मना करती है। वो कहता है, तुम्हारे और पूपा का ब्रेकअप हो गया क्या? वो कहती है, सोच समझ के बोलो, पूपा काफ़ी बिजी है इसलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। वो कहता है, एक बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो कहती है, मेरे पूपा के बारे में कुछ भी मत बोलो। देन ही वॉज लाइक ओके। पूपा प्रपाई को कॉल करने लगता है। पूपा का कॉल आते देख टाइम फ़ोन उठाने लगा था। प्रपाई उसे छीनती है बट वो नहीं देता तो वो उसके मुंह में ब्रेड ठूस देती है और फिर खुद पूपा का फ़ोन उठा लेती है। पूपा उसे बता रहा था कि मेरी रिसर्च कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ थोड़ा सा काम रह गया। वो कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे जल्दी आने का वेट करूँगी। वो कहता है, मुझे जल्दी वापस आना ही होगा, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि ज़रूर कोई ना कोई तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। तभी टाइम पीछे से म्याऊं की आवाज़ निकालता है। वो चुप हो जाती है। पूपा पूछता है, तुम ठीक हो? प्रपाई कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। टाइम फिर से म्याऊं की आवाज़ निकालने लगा था तो प्रपाई उसका मुंह बंद कर देती है और वो उसके हाथ में काटने लगा था। प्रपाई की आवाज़ सुन पूपा कहता है, क्या हुआ प्रपाई? वो कहती है, कुछ भी नहीं है, मुझे डॉगी ने काट लिया। टाइम हंस रहा था पर पूपा चुप हो जाता है। वो पूछती है, पूपा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पूपा गुस्से से कहता है, मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे टाइम से कुछ कहना है। पूपा के कहने पे प्रपाई उसे वीडियो कॉल करती है। टाइम पूछता है, तुझे कैसे पता चला मैं प्रपाई के साथ हूँ? पूपा कहता है, प्रोबेबिलिटी। टाइम कहता है, लगता है तू मुझे कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहा है। पूपा कहता है, मेरी प्रपाई से दूर है। टाइम कहता है, अगर मैं दूर ना रहूँ तो तू क्या कर लेगा? देख हम दोनों एक दूसरे के कितना क्लोज हैं। और प्रपाई के कंधे पे हाथ रख लेता है। प्रपाई गुस्से से उसे दूर करती है। पूपा भी गुस्से में था। क्वांग को देख टाइम कहता है, अबे ये तेरी नई गर्लफ्रेंड है क्या? प्रपाई कहती है, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। पूपा कहता है, क्वांग मेरी रिसर्च टीम की मेंबर है। टाइम कहता है, जब कोई तेरे पास इतना गरीब हो सकता है तो प्रपाई को भी इस बारे में बैड फील नहीं करना चाहिए।
फूफा कहता है, प्रपाई मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं अपना फ़ोन 24 घंटे ऑन ही रखूँगा। वो कहती है, ओके अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगी। क्वांग कहती है, फूफा हमेशा अपनी रिसर्च में बिजी रहता है, तो छोटी मोटी बातों के लिए बार बार मैसेज मत करती रहना, थोड़ा बहुत खुद से भी हैंडल कर लेना। टाइम कहता है, फूफा अगर तू इतना ही बिजी है तो मैं तेरे लिए प्रपाई का ख्याल रख लूँगा, तेरी गर्लफ्रेंड बस। प्रपाई एकदम से उसका मुंह बंद कर कहती है, चलो ठीक है फिर बाय, और फ़ोन काट देती है। तो फूफा को कुछ शक होता है। इधर प्रपाई अपनी प्रॉब्लम्स ता को बता रही थी, तभी ता को फूफा का फ़ोन आता है, तो वो फूफा का फ़ोन उठा लेता है और प्रपाई से पूछता है, तुमने फूफा को अभी तक इस बारे में क्यों नहीं बताया? वो कहती है, उसे मत बताना, वो अपनी रिसर्च में बिजी है, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, अगर फूफा को इस बारे में पता चला ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ओके पर कहीं ना कहीं तुम भी चाहती हो ना कि फूफा वापस आ जाए, ये लव को समझना इतना मुश्किल क्यों है? प्रपाई हंस के कहती है, तुम कितने बदल गए हो, मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसी बातें करोगे। वो कहता है, मेरे डैड चाहते हैं कि मैं गांव वापस आके उनका फैमिली बिजनेस संभालूं, तुम्हें तो पता ही है मेरे रिलेटिव्स बिजनेस के लिए फाइट करते रहते हैं, जो मैं नहीं करना चाहता। प्रपाई कहती है, तो वावा ने तुमसे क्या कहा? वो कहता है, उसने कहा मैं चला जाऊं, वो मुझे खुद से दूर क्यों कर रही है, लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। फिर प्रपाई टेम्पल आती है ये विश करने की, गॉड प्लीज़ फूफा को जल्दी से वापस भेज दो, बदले में मैं 100 बॉयलेट्स डोनेट करूँगी। नहीं नहीं अगर आप फूफा को वापस भेजोगे ना तो मैं डांस करके दिखाऊँगी बिल्कुल इनके जैसा। तभी प्रपाई देखती है कि फूफा भी टेम्पल में विश करने आया है, तो खुश होती है, बट वो तो कोई और लड़का था, यानी प्रपाई की इमेजिनेशन, तो सैड होती है। फिर वो अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला पेपर देख रही थी, तभी वहाँ टाइम आ जाता है जो कहता है, ट्रू लव तुम्हें जल्दी मिलने वाला है। वो कहती है, तुम यहाँ कैसे घुस आए? वो कहता है, क्यों मैं टेंपल भी नहीं आ सकता क्या? प्रपाई उसका पेपर देखने लगी थी पर वो उसे नहीं देखने देता और कहता है, मैं खुद ही पढ़ के सुना देता हूँ, इसमें लिखा है कि मैं एक ऐसी लड़की का दिल जीत लूँगा जो बॉनी है, क्लम्सी है और बहुत खाती भी है। ये तो एकदम सही है। तो प्रपाई मुंह बनाती हुई चली जाती है, वो कहता है, कहाँ जा रही है बॉनी? इधर फूफा सक्सेसफुली प्रपाई का होलोग्राम बना लेता है, तो बहुत खुश होता है क्योंकि उसका होलोग्राम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, सब उसका होलोग्राम देख तारीफ करते हैं। क्वांग भी फूफा को कंग्रेचुलेट करती है। फूफा प्रोफेसर से कहता है, क्या मैं बैंकॉक वापस जा सकता हूँ क्योंकि एक एमरजेंसी है? प्रोफेसर कहते हैं, तुम जैसे जीनियस बच्चे बहुत रेयर हैं, इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी तुम्हें फ्यूचर के लिए यहीं स्टडी करने की स्कॉलरशिप दे रही है ताकि तुम यहीं पे पीएचडी कंप्लीट कर सको, इस बारे में सोच के बताना, ये रहा फॉर्म। पर फूफा फॉर्म फिल नहीं करता, तभी उसकी मॉम उसे फ़ोन कर बुलाती हैं, इनफैक्ट उसकी मॉम बिजनेस ट्रिप पर वहाँ आई हुई थी। वो कहता है, मॉम क्या आप किसी लॉयर को जानती हो? मॉम पूछती है, क्यों क्या तुम्हें रिसर्च में कोई प्रॉब्लम आ रही है? वो कहता है, नहीं मॉम मुझे लॉयर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो मॉम हाँ कर देती हैं और पूछती हैं, तो क्या तुम अब बैंकॉक वापस जाओगे या यहीं रह के पीएचडी करोगे? वो कहता है, मॉम मैं बैंकॉक वापस जाना चाहता हूँ। मॉम कहती हैं, बट वाई? यहाँ बैंकॉक में ज़्यादा अच्छी स्टडीज़ हैं, लैब्स हैं, सक्सेस के भी ज़्यादा चांसेस हैं और तुम्हें तो इस बारे में अच्छे से पता है। वो कहता है, मॉम आपने और डैड ने एक दूसरे से दूर रह के काम करने का डिसाइड क्यों किया था? क्या हो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप तो साथ भी नहीं रह सकते, क्या आपको कुछ फील नहीं होता? मॉम कहती हैं, भले ही हमारी फैमिली मेम्बर्स दूर हैं बट उनसे हमारा रिलेशन कम नहीं होता, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, क्या तुम भी किसी ऐसी प्रॉब्लम में हो? वो कहता है, मैं जानता हूँ आगे क्या करना है। तो मॉम उसे अपना ध्यान रखने को बोलकर चली जाती हैं। प्रपाई को फूफा की याद आ रही थी बट वो उसे कॉल नहीं करती और फिर उसका होलोग्राम देखने लगती है और उसी से बातें करने लगी थी कि काश तुम भी मेरे साथ यहाँ होते, बट इट्स ओके टावर टाइम ने कहा है कि वो मेरी हेल्प करेंगे, पर कहीं वो मेरी हेल्प करने के चक्कर में वो भी इफ़ेक्ट ना हो जाएं। क्वांग ने सही कहा था, मुझे हर बार दूसरों को अपनी हेल्प के लिए नहीं कहना चाहिए, तो इस बार मैं खुद से फाइट करूँगी और जो मेरा है उसे वापस ले कर रहूँगी। इधर फूफा रात में कुछ काम कर रहा था और फिर ता को मैसेज करता है, नेक्स्ट डे मेमोरी ऑफ लव शॉर्ट फिल्म की
पार्टी होने वाली थी, इसलिए फे काफ़ी खुश दिख रही थी क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर उसके फ़ोटोज़ खींच रहे थे। तभी वहाँ सुपरस्टार टाइम की एंट्री होती है तो सारे रिपोर्टर्स उसके फ़ोटोग्राफ लेने लगे थे। फे टाइम को हेलो करती है पर पपाई गुस्से में थी तो टाइम आकर उसे देखने लगता है और कहता है, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन के आई हो? वो कहती है, मैं तो बस एक स्टाफ मेंबर हूँ तो ज़्यादा सज धज के आने का क्या फ़ायदा? वो कहता है, फिर तो तुम्हें वंडर वूमन के ड्रेस में आना चाहिए था, तभी तो दुश्मनों का सामना कर पाओगी। क्या तुम्हें हेल्प के लिए सुपर हीरो की भी ज़रूरत है? वो कहती है, खबरदार जो तुमने कुछ किया, ये मेरी लास्ट वार्निंग है वरना हमारी दोस्ती ख़त्म। देन ही वॉज लाइक, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। प्रपाई की नज़र एक वेटर पर पड़ती है तो वो उसे देखते ही भाग जाता है। इनफैक्ट प्रपाई को कुछ शक हो रहा था बट उसे लगता है कि ये उसका वहम होगा। इनफैक्ट वो वेटर था जो भेस बदल के वहाँ आया था, और सिर्फ वही नहीं, वावा भी भेस बदल के वहाँ आई थी। इनफैक्ट वो वहाँ किसी प्लान को अंजाम देने वाले थे जिसका तो खैर आगे पता चलेगा। सब लोग मेमोरी ऑफ लव शॉर्ट फिल्म देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे, बट प्रपाई बहुत गुस्से में बैठी थी। एंकर पूछती है कि क्या किसी को फेस से कुछ पूछना है, तो प्रपाई हाथ खड़ा करती है और पूछती है, तुम्हें इस शॉर्ट फिल्म को बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? फे कहती है, मैं कई सालों से लव के बारे में रिसर्च करती आ रही हूँ और कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं और मैंने कुछ लव स्टोरीज भी पढ़ी थी, इसलिए मैंने यही लव स्टोरी चूज़ की। हो सकता है फ्यूचर में इसके आगे के एपिसोड्स भी आएँ, प्रपाई कहती है, पर मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने इस शॉर्ट फिल्म को बनाया है। फे ने कुछ भी नहीं किया, सब लोग हैरान थे। फे कहती है, ये मैंने बनाई है और मेरे पास प्रूफ के लिए इस शॉर्ट फिल्म की सारी इन्फॉर्मेशन है इस पेन ड्राइव में। प्रपाई को याद आता है कि फे के कहने पे उसी ने फे को ये पेन ड्राइव दी थी। फे कहती है, तुझे किसी पे ऐसे दोष नहीं लगाना चाहिए, अगर तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं तुझ पे केस भी कर सकती हूँ। न्यूज़ रिपोर्टर्स प्रपाई की फ़ोटोज़ खींचने लगे थे। ता कहता है, मैं सच बताता हूँ, और जल्दी से अपने रियल बेस में आ जाता है और कहता है, मैं इस शॉर्ट फिल्म का फोटोग्राफर हूँ और वावा इसकी फीमेल लीड है। ये फिल्म प्रपाई ने ही बनाई है और हम प्रपाई को काफ़ी पहले से जानते हैं। फे कहती है, तुम सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हो क्योंकि ये लोग प्रपाई के फ्रेंड्स हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें पकड़ के बाहर फेंक दो। सिक्योरिटी गार्ड ता को उठाकर ले जाने लगा था। वावा और प्रपाई ता को बचाने लगे थे, तभी टाइम आकर कहता है, ये जो सारा काम है वो इस लड़की ने ही किया है। फे कहती है, प्रपाई मैंने तुझे अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प के करने दी, तू तो मेरे प्रोजेक्ट को ही अपना बना रही है। तुझे पता है अपनी कंपनी पे दोष लगाने की तुझे क्या सज़ा मिलेगी? और तुम भी टाइम, तुम्हें लगता है लोग तुम पे विश्वास कर लेंगे? मुझे पता है तुम्हारी प्रपाई के साथ रिलेशनशिप मोर देन फ्रेंड्स हैं। रिपोर्टर्स बातें करने लगे थे तभी टाइम की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। इनफैक्ट जब फे ने प्रपाई को टाइम के साथ जाते हुए देखा था तो उसने तभी ही टाइम की एक्स गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके ये कह दिया था कि टाइम पार्टी में अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के बारे में सबको बताने वाला है, तो तुम भी उसे कंग्रेचुलेट करने पहुंच जाना। न्यूज़ रिपोर्टर्स प्रपाई को टाइम की न्यू गर्लफ्रेंड समझ रहे थे और कहते हैं, ये तो वही लड़की है जो एक बार टल्ली हो गई थी तो टाइम इसे घर लेके जा रहा था, यानी ज़रूर इन दोनों में कोई चक्कर चल रहा है। और टाइम से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि क्या तुम अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए ये सब बोल रहे हो? प्रपाई उनके नॉनस्टॉप क्वेश्चन से घबरा रही थी। टाइम कहता है, मैं और प्रपाई सिर्फ फ्रेंड्स हैं, इससे ज़्यादा हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पूछती है, क्या तुम सच में प्रपाई को सिर्फ अपनी फ्रेंड मानते हो? टाइम कुछ भी नहीं बोलता तो सारे रिपोर्टर्स फिर से क्वेश्चंस की बरसात कर देते हैं। टाइम कहता है, सॉरी प्रपाई, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रपाई वहाँ से जाने लगती है तभी कोई वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो था पूपा। पूपा को तो देखते ही वो खुश हो जाती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं प्रपाई के पास जाने के लिए जब पूपा टैक्सी का वेट कर रहा था, तभी ता ने उसे फ़ोन करके बता दिया था कि प्रपाई प्रॉब्लम में है, तो पूपा एक बाइक वाले के साथ ही चला जाता है। पूपा कहता है, टाइम और प्रपाई के बीच में कुछ भी नहीं है क्योंकि प्रपाई का बॉयफ्रेंड यहाँ है, मी पूपा। सॉरी प्रपाई, मैंने तुम्हें इतनी देर अकेले ही फाइट करने दिया। मेरे पास प्रूफ है कि इस शॉर्ट फिल्म का रियल डायरेक्टर कौन है, और वही पेन ड्राइव निकालता है जो प्रपाई ने उसे बहुत पहले दी थी। वावा भागकर जा उस पेन ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट कर देती है जिसमें प्रपाई पूपा को बता रही थी कि मैंने शॉर्ट फिल्म के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की सोची है, मुझे वो प्राइज़ नहीं चाहिए
मैं तो बस हम दोनों की लव स्टोरी की मेमोरी बनाना चाहती हूँ। पुपा कहता है, चिंता मत कर पपाई, मैं हूँ ना। और सबसे कहता है, अप्रूव हो गया कि टाइम नहीं, मैं प्रपाई का बॉयफ्रेंड हूँ। टाइम तो बस सच सामने लाने में प्रपाई की हेल्प कर रहा था। फे कहती है, प्रपाई ने बस कंपनी की हेल्प की थी, पर ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है तो ये कंपनी का काम हुआ। पुपा कहता है, पहली बात ये प्रपाई ने बनाया है, तुमने नहीं, तुमने इसे चुराया था। और दूसरी बात, तुमने कहा ये कंपनी का काम है तो मेरे पास इसका भी प्रूफ है। वावा फिर से एक वीडियो ऑन करती है जिसमें प्रपाई बता रही थी कि पुपा मैं वावा को फीमेल लीड बनाने की सोच रही हूँ। तभी वहाँ फेया चाहती है और फिर वो फे से बातें करने लगी थी कि वो शॉर्ट फिल्म के बारे में क्या क्या करने वाली है। पुपा कहता है, अब सच आप सबके सामने है, मैं चाहूँ तो कंपनी पे केस कर सकता हूँ, बट इससे लॉयर ही परेशान होंगे और कोई फायदा नहीं होगा। तभी एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर आकर कहता है, किसी ने भी ये किया हो बट ये कंपनी के ही एम्प्लॉय का काम माना जाएगा। प्रपाई ये सब सिर्फ कंपनी की वजह से ही कर पाई क्योंकि उसने कंपनी से ही ये सब सीखा था। प्रपाई कहती है, थैंक यू मुझे सच से रूबरू करवाने के लिए, पर ये मेरी लव स्टोरी पे बेस है इसलिए मैं इसे अपना नाम देना चाहती थी और मेरे फ्रेंड्स तो बिना कुछ मांगे मेरी हेल्प के लिए राजी हो गए। तो अब से मैं ये अनाउंस कर रही हूँ कि मैं अब इस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। तो ता तो बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लैप करने लगा था, फे को गुस्सा आ रहा था, पर पुपा स्माइल करता है। सब न्यूज़ रिपोर्टर फे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे क्वेश्चन पूछने लगे थे। पुपा प्रपाई को लेके वहाँ से खिसक जाता है। देन टाइम वॉज लाइक, रियल सुपर हीरो तो ये निकला। प्रपाई कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिसको मैंने अपना फ्रेंड माना था उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैंने जॉब भी छोड़ दी है, मैं अब क्या करूँगी। पुपा कहता है, तुम्हें अभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा रेस्ट करो, कल हमेशा बेटर होता है। और उसे प्रिज्म दिखाता है। प्रिज्म को देखते ही प्रपाई खुश होकर उसे हक कर लेती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, थैंक यू वापस आने के लिए। अरे मुझे याद आया, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। पुपा वास लाइक, कहाँ पे? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रपाई ने वो डांसर वाले कपड़े पहन रखे थे, पर पुपा को वो कपड़े पहन के शर्म आ रही थी और कहता है, विश तो तुमने मांगी थी ना, तो तुम्हें अकेले डांस करना चाहिए। वो कहती है, मुझे लगा तुमने कहा था जो भी हम करेंगे साथ में करेंगे, क्या तुम सच में मुझे अकेले छोड़ के चले जाओगे? प्लीज़ डांस करो ना मेरे साथ। पुपा जाने लगा था, वो कहती है, तुम मुझे लव नहीं करते? वो कहता है, पर मुझे ये डांस करना नहीं आता। वो कहती है, कोई नहीं, हम इनको देख के कॉपी कर लेंगे। और फिर पुपा प्रपाई उन्हें देख देख के डांस कर रहे थे। डिनर टाइम पे प्रपाई पुपा से पूछती है कि तुम्हें मेरी प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला? क्या ता ने बताया था? मैंने ता को मना किया था, देखना मैं उसका क्या हल करूँगी। पुपा कहता है, मुझे ता ने नहीं बताया, तुमने बताया था। प्रपाई वास लाइक, मैंने कब? वो कहता है, जब तुम ता को बता रही थी कि ता मुझे ये ना बताए, मैंने फ़ोन पे सब सुन लिया था। प्रपाई कहती है, ता तो बड़ा चलाक निकला। पुपा कहता है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी? क्या हम डेटिंग नहीं कर रहे? अगली बार से कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। वो कहती है, मुझे पता है, बट तुम भी तो अपनी प्रॉब्लम में बिजी थे इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? वो कहता है, रिसर्च कंप्लीट हो गई। वो कहती है, कंप्लीट हो गई? पर तुम तो बता रहे थे कि लगभग एक साल लगेगा। वो कहता है, पर मुझे ऐसे को एक साल की ज़रूरत नहीं। वो कहती है, ऑफकोर्स जीनियस, तो तुम आगे क्या करने वाले हो? पर तभी प्रपाई को किसी का फ़ोन आता है, इनफैक्ट वो एक दूसरी कंपनी वालों का था और उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट करवानी थी। तो प्रपाई बहुत खुश होती है और कहती है, अगर मुझे ये जॉब मिल गई ना तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। नेक्स्ट डे वो दोनों उस न्यू कंपनी में जाते हैं। प्रपाई को अपने टैलेंट की वजह से वो जॉब मिल जाती है, कैन भी वहीं काम करता है तो वो उन्हें पूरी कंपनी दिखाता है। प्रपाई को वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वहाँ पे न्यू न्यू गैजेट्स थे। एक बार तो प्रपाई को शौक लगते देख वो दोनों भी शौक लगने का नाटक करते हैं। हम नोटिस करते हैं कि पुपा प्रपाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो सोचती है, सिर्फ एक चीज़ जिसमें मैं पुपा के लिए नहीं जी सकती, वो है साइंस। तो गुस्सा हो जाने लगती है, पर पुपा उसे रोकने लगता है और एक ऐसी चीज़ सिखाता है जिसे देख के वो खुश हो जाती है। कैन से उन दोनों को पता चलता है कि 10 एम्यूजमेंट पार्क में मशीन डिज़ाइन और रिपेयर करने का काम करता है। फिर बातें करते करते कैन पुपा की स्कॉलरशिप के बारे में बोलने लगा था, पर पुपा उसे चुप करा के प्रपाई को वहाँ से ले जाता है।
तभी पूपा को क्वांग का फ़ोन आता है जो उसे स्कॉलरशिप के बारे में फिर से सोचने को बोल रही थी, पर पूपा उसे साफ साफ मना कर देता है। प्रपाई उसे पूछती भी है कि क्या बात है, बट वो उसे नहीं बताता। नेक्स्ट डे प्रपाई प्रोफेसर के घर पहुंच जाती है ताकि वो उनसे साइंस पढ़ सके। प्रोफेसर तो उसे साफ साफ मना कर रहे थे। प्रपाई मासूम सी शक्ल बनाती है तो वाइफ प्रोफेसर को घूरती है और उनके डर से प्रोफेसर को भी हाँ करनी पड़ती है। बेचारे प्रोफेसर प्रपाई को साइंस पढ़ाने की बार बार कोशिश कर रहे थे, बट प्रपाई तो सब मज़े में ले रही थी। और फिर पूपा को कॉल कर बताते हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड मुझसे साइंस पढ़ने आई है, पर इसने तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। पूपा के कहने पर प्रोफेसर प्रपाई से प्रिज्म के बारे में पूछते हैं। प्रपाई को मालूम था कि प्रिज्म से रेनबो दिखता है। तभी पूपा उसे कॉल कर घर आने को कहता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो प्रोफेसर के घर पे है, तो प्रपाई को घर वापस आना ही पड़ता है। वो कहता है तुम वही करो जिसमें तुम अच्छी हो, खुद को फोर्स मत करो। वो कहती है जब भी मैं तुमसे तुम्हारी रिसर्च के बारे में पूछती हूँ तुम मुझे बताते ही नहीं हो, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम हर बात मुझसे शेयर करो। वो कहता है चिंता मत करो ऐसी कोई बात नहीं है। प्रपाई उसे सोने को कहती है तो वो उसी की गोद में लेट जाता है। तो वो उसे देखने लगी थी। अब प्रपाई ने उसके लिए साइंस पढ़ने की कोशिश की थी तो पूपा उसे किस करके गिफ्ट देता है और दोनों किसिंग करने लगे थे। इधर बेचारा हार्ट ब्रोकन टाइम सैड सॉन्ग बना रहा था। फिर मैनेजर उसे अम्यूजमेंट पार्क का रिव्यू करवाने ले जाता है, पर टाइम कुछ सोच रहा था और डैन से एक फेवर मांगता है। उसकी स्माइल बता रही थी कि वो कुछ करने वाला है। बास्केटबॉल खेलते हुए टैन पूपा को कहता है कि इससे पहले कि टाइम प्रपाई को प्रपोज करे तू प्रपाई का दिल जीत ले सिंगिंग या गिटार सीख कर। पर पूपा को गिटार बजाना नहीं आता था तो ताओ से गिटार बजाना सिखाता है। पूपा के रूम से गिटार की कुछ आवाज़ें सुन प्रपाई अंदर आती है, बट वो गिटार छुपा देता है और कहता है मैं तो बस म्यूज़िक सुन रहा था और उसके जाते ही फिर से बजाने लगा था। प्रपाई फिर से आती है बट वो फिर छुपा देता है। देन प्रपाई वॉज लाइक ये चल क्या रहा है। प्रपाई कैन से पूछती है कि कुछ दिनों से पूपा इतना अजीब रैक्ट क्यों कर रहा है, पर कैन बहाना मार के भाग जाता है। तभी टाइम प्रपाई को फ़ोन कर बुलाता है। वो कहती है मैं अब उस कंपनी में काम नहीं करती तो अब तुम्हारी नौकर नहीं रही। वो कहता है मैं तुम्हें क्लाइंट से मिलवाने वाला था जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट करवानी है, क्या तुम सच में नहीं मिलना चाहती। वो कहती है मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूँ, तुम हमेशा मुझे बुद्धू बनाते हो। वो कहता है ठीक है तो मत आना, बाद में मत कहना। पर फिर टाइम के कहे अनुसार प्रपाई एम्यूजमेंट पार्क में आ जाती है, पर वहाँ तो कोई क्लाइंट व्लाइंट था ही नहीं। वो जाने लगी थी पर टाइम कहता है प्लीज़ मेरा गाना सुन लो, अगर मैं तुमसे ना मिला होता तो शायद ये सॉन्ग भी कभी नहीं होता। और फिर सॉन्ग गाता है। इनफैक्ट वो सॉन्ग टाइम और प्रपाई की मेमोरीज पे बेस था। प्रपाई भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। पूपा के फ्रेंड्स और ता छुप छुप के उन दोनों को देख रहे थे। टाइम प्रपाई से कहता है आई रियली लाइक यू, क्या तुम भी मुझे लाइक कर सकती हो। प्रपाई हिचकिचा रही थी तभी वहाँ पूपा जाता है प्रपाई को घर ले जाने। इनफैक्ट वो तो वहाँ बहुत पहले से था। टाइम कहता है जब तू यहीं था तो तूने मुझे प्रपाई को कन्फेस करने से रोका क्यों नहीं। पूपा कहता है क्योंकि मैंने जब ये सॉन्ग सुना मुझे फील हुआ कि हर किसी को अपना लव कन्फेस करने का हक है और मैं चाहता हूँ प्रपाई अपने लिए खुद डिसाइड करे। प्रपाई कहती है तुमने जो सॉन्ग गाया वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुम्हारे फैंस को पसंद आएगा, पर ये सॉन्ग मेरे लिए नहीं है। टाइम पहले सैड होता है पर फिर कहता है तुम इतनी सारी लड़कियों के ड्रीम बॉय को ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकती हो, तुम सच में बहुत अजीब हो। प्रपाई कहती है मेरे जैसे अजीब लड़की तुम जैसे सुपरस्टार को सूट नहीं करती, थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए, पर मेरा दिल तो ऑलरेडी एक जीनियस का हो गया है। टाइम प्रपाई को बेस्ट विशेस देता है और पूछता है क्या मैं तुम्हें एक बार हक कर सकता हूँ अपनी दोस्ती के लिए। प्रपाई हाँ करती है तो दोनों हक करते हैं। पूपा उन्हें देख रहा था तो टाइम प्रपाई को बाय कर चला जाता है। पूपा और प्रपाई एक दूसरे को देख स्माइल करते हैं। पूपा के इशारा करने पे उसके फ्रेंड्स वर लाइक इट्स श्योर टाइम। प्रपाई तो बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह टाइम को चूज़ करती तो तुम क्या करते। वो कहता है मुझे पता था तुम मुझे चूज़ करोगी। तभी ताकर कहता है कॉन्ग्रेचुलेट तुम दोनों की तो हैप्पी एंडिंग है, तो अब मेरी भी हेल्प कर दो यार। प्रपाई और पूपा बहाने से वावा को वहाँ बुला लेते हैं ताकि तार वावा का मैटर सॉल्व कर सके।
ता गाँव जाने के बजाय बैंकॉक में ही रुकने को बोल रहा था। बट वावा चाहती है कि ता को अपने डैड की बात मानकर उनका बिजनेस संभालना चाहिए। पर ता कहता है, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, डैड का नहीं। वावा ता को इरिस्पॉन्सिबल बोलकर चली जाती है तो ता काफ़ी सैड होता है। प्रपाई पूपा से पूछती है कि अगर तुम ता की जगह होते तो क्या करते। वो कहता है, मैं बैंकॉक में ही रुकता क्योंकि काम तो कहीं भी किया जा सकता है, बट लव हर जगह नहीं मिलता। प्रपाई कहती है, बट इसके लिए अपनी फैमिली से रिलेशन ना रखना, ये भी तो गलत है ना। पूपा कहता है, मैं फैमिली से बात करता, अगर वो फिर भी नहीं मानते तो मैं तब भी लव को ही चूज़ करूँगा क्योंकि वो एक ना एक दिन समझ आएंगे। पर अगर तुम बाबा की जगह होती तो क्या करती। वो कहती है, मैं जिससे लव करती हूँ उसके साथ रहना चाहती हूँ, बट उसकी लाइफ का बोझ नहीं बनना चाहती। चूज़ करना इतना मुश्किल क्यों है। पूपा के जाते ही प्रपाई देखती है उसके फ़ोन पे क्वांग का फ़ोन आ रहा है तो वो उठा लेती है। क्वांग प्रपाई को बता देती है कि पूपा तेरी वजह से अपना फ्यूचर खराब कर रहा है, तो क्या तू खुश रह सकती है। प्रपाई ये सुन हैरान थी। फिर जब पूपा आता है तो वो उसे रिसर्च के बारे में पूछती है। पूपा कुछ भी नहीं बताता। वो कहती है, तो तुमने स्कॉलरशिप ना लेने वाली बात मुझसे छुपाई क्यों। वो कहता है, ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं थी इसलिए नहीं बताया। वो कहती है, इम्पॉर्टेंट नहीं, तुम्हारा मतलब तुम्हारा फ्यूचर इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुमने वो स्कॉलरशिप मेरी वजह से मना की है ना। वो कहता है, जब तुम प्रॉब्लम में हो तो मैं उस टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ऐसे सक्सेसफुल होने का क्या फ़ायदा जब तुम साथ ना हो। वो कहती है, पर मैं चाहती हूँ तुम सक्सेसफुल हो, मैं तुम्हारी लाइफ में बोझ नहीं बनना चाहती। और उठकर अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे भी वो उसे फिर से इस बारे में सोचने को बोलकर काम पे चली जाती है। एंड पूपा वास लाइक, करूँ तो करूँ क्या। ता प्रपाई को फ़ोन कर बताता है कि मेरे डैड मुझे ज़बरदस्ती उठाकर गांव ले गए, इसलिए तुम एडवर्टाइजमेंट शूट के लिए किसी और फोटोग्राफर से बात कर लो। जब वावा को प्रपाई से पता चलता है कि ता गांव चला गया तो वो सैड होती है, पर फिर कहती है, अच्छा हुआ वो चला गया, अगर वो मेरी वजह से बैंकॉक में रहता तो उसके मॉम डैड समझते मैं ता के लिए बोझ हूँ, मैं अपने फ़ायदे के लिए उनके बेटे का फ्यूचर कैसे ख़राब कर सकती हूँ। उसकी बातें सुन प्रपाई भी सोचने लगी थी। इधर पूपा की मॉम उसके घर आ जाती हैं उससे पूछने कि पूपा ने बिना उनसे पूछे फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए मना क्यों कर दिया। वो कहता है, मैं हर बार ही अपने डिसीजन खुद लेता हूँ और इस बार मैंने पूरा पक्का फैसला कर लिया है। मॉम कहती हैं, सच बता तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना, ये लड़कियों वाला सामान यहाँ क्यों रखा है, तू ये सब उस लड़की की वजह से कर रहा है ना, कहाँ है वो, मैं भी तो देखूँ आखिर कौन सी लड़की है जो मेरे बेटे का फ्यूचर ख़राब कर रही है। इतने में वहाँ प्रपाई आ जाती है और उन्हें देख हेलो करती है। मॉम कहती हैं, तुम ही हो इस सब की वजह, चुपचाप अपना बोरियो बिस्तर उठाकर यहाँ से खिसको। प्रपाई हैरान थी। पूपा कहता है, मॉम आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकती, इसका इसे कोई लेना देना नहीं और ये कहीं नहीं जाने वाली। मॉम कहती हैं, पूपा ये मेरा घर है, मुझे इसे बाहर फेंकने का पूरा हक है, ये लड़की मैं तुझे एक दिन देती हूँ। पूपा कहता है, मॉम प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए, हम बाद में बात करेंगे। इतने में आंटी वहाँ आ जाती हैं और मॉम से सब के लिए सॉरी बोलती हैं। प्रपाई कहती है, आंटी की इसमें कोई गलती नहीं, मैंने ही यहाँ रहने के लिए कहा था और पूपा वाली बात के लिए भी सॉरी। पूपा कहता है, मैंने स्कॉलरशिप के लिए मना किया है तो तुम क्यों सॉरी मांग रही हो। वो कहती है, क्योंकि तुम मेरी प्रॉब्लम की वजह से बैंकॉक वापस आए थे। मॉम कहती हैं, तू सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूपा, तू एक ऐसी लड़की के लिए अपना फ्यूचर क्यों ख़राब कर रहा है, क्या ये तेरे सेक्रीफाइस के लायक भी है। पूपा कहता है, यस मॉम, मैं आपके और डैड की तरह नहीं रहना चाहता, आप अपने ड्रीम्स के लिए एक दूसरे से दूर रहते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे अपने ड्रीम्स पूरे नहीं करने। मॉम सैड थी तो आंटी उन्हें वहाँ से ले जाती हैं। प्रपाई रो रही थी तो पूपा उसे चुप कराता है। वो कहती है, तुम्हारी मॉम ने जो भी कहा वो सही कहा, तुम अपने ड्रीम्स पूरे ना करो मैं ये नहीं देख सकती। वो कहता है, मैं अपने ड्रीम्स छोड़ थोड़ी ना रहा हूँ, मैं बैंकॉक में ही रह के स्टडी कर लूँगा, अब तो ठीक है ना। वो कहती है, ये कैसे ठीक हो सकता है, तुम्हारी मॉम को लगता है मैं एक प्रॉब्लम हूँ और मुझे भी यही लगता है, और चली जाती है। पूपा कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है। पर प्रपाई रूम में बैठी रो रही थी तभी उसे अपनी मॉम का कॉल आता है। प्रपाई को सैड देख मॉम को लगता है कि वो जॉब से फायर हो गई होगी। वो कहती है, मॉम आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। देन मॉम वॉज लाइक,
तेरा बॉयफ्रेंड तो कोई है नहीं, तो काम से रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम होगी। या तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? वो कहती है, मॉम अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो और वो मेरे फ्यूचर के बीच में आएगा तो क्या आप हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगी? मॉम कहती हैं, तेरे बॉयफ्रेंड को तेरे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो तेरे फ्यूचर के बीच में आएगा तो मैं ये नहीं चाहती। चल मैं फ़ोन काट रही हूँ, मुझे आज अकाउंटिंग करनी है ना। और फ़ोन काट देती हैं। प्रपाई रो रही थी और फिर ब्रेकअप लेटर के साथ साथ वो अपना नेकलेस रखकर चली जाती है। मॉर्निंग में पूपा देखता है कि प्रपाई वहाँ नहीं है और लेटर पे ब्रेकअप लिखा है, तो वो पागलों की तरह उसे फ़ोन करता हुआ ढूंढने लगा था, बट प्रपाई अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है। प्रपाई को अपने घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने ताको भी वहाँ बुला लिया था। ताको पूपा का फ़ोन आता है पर प्रपाई उसे फ़ोन उठाने से मना कर देती है। ता कहता है, अब तो हम दोनों की हालत एक जैसी है तो क्यों ना। वो कहती है, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें फिर से लाइक करूँगी। वो कहता है, क्या बक रही हो, मैं तो ये कह रहा था कि मैं यहाँ अपनी कंपनी खोल रहा हूँ तो मेरे पास स्टाफ की कमी है, तुम भी बेरोज़गार हो तो मेरी कंपनी में जॉब कर लेना। वो कहती है, ओके डील, जॉब ना होने से तो ठीक ही है। मैं अंदर कैसे जाऊँ, डर लग रहा है कि कहीं मॉम को मेरी प्रॉब्लम का ना पता चल जाए। तभी मॉम एकदम से गेट खोल देती है। वो दोनों ने विश करते हैं, प्रपाई मॉम के गले लग जाती है। मॉम को लगता है कि प्रपाई को जॉब से बाहर निकाल दिया, और प्रपाई भी ये कह देती है कि बैंकॉक से बोर हो गई थी। देन मॉम और उसका भाई वाज लाइक, क्या ये सच में प्रपाई ही है? प्रपाई कहती है, अबे मैं तेरी बहन ही हूँ। भाई कहता है, मॉम ये प्रपाई ही है। ता को देख मॉम कहती हैं, ता गाँव आ गया है इसलिए तू भी वापस आ गई, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? वो दोनों एक साथ मना करते हैं। प्रपाई मॉम को अंदर ले जाती है तो ता बाय कर चला जाता है, पर भाई को अभी भी शक हो रहा था। पूपा ता से फ़ोन करके पूछता है कि प्रपाई कहाँ है। वो कहता है, चिंता मत कर वो अपने घर पे है, क्या तू उसे लेने आ रहा है? पूपा कहता है, नहीं मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी भी वहीं के वहीं हैं, मैं बाद में उससे मिलने आऊँगा जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ता कहता है, ठीक है मिस्टर जीनियस, देख ले तेरी गर्लफ्रेंड भाग गई तो बाद में मत कहना कि मैंने तुझे वार्न किया। तो वो हाँ करता है। पूपा प्रोफेसर से मिलने आता है ताकि कुछ सॉल्यूशन ढूंढ सके। मीना कहती है, मेरे पास एक न्यू प्रोजेक्ट है, अगर तुम मुझसे ज़्यादा नफरत नहीं करते तो मेरे साथ उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। वो कहता है, हाँ ज़रूर, तुम्हारे साथ काम करके मेरी नॉलेज बढ़ती है, पर क्या तुम मेरी एक चीज़ में हेल्प करोगी? तो मीना हाँ कर देती है। इधर प्रपाई खुद को पूपा को फ़ोन करने से रोक रही थी, फिर वो अपने बचपन की यूनिवर्स बुक देखने लगती है और हमें पता चलता है कि प्रपाई और पूपा बचपन में फ्रेंड्स थे बट उन्हें अब ये मालूम नहीं। तभी उसका भाई पूछने आता है कि वो अचानक से ऐसे बैंकॉक वापस क्यों आ गई, वो नहीं बता रही थी। तो कहता है, तू किसी से सैड होकर घर वापस आई है ना, कौन है वो, तेरा बॉयफ्रेंड है? वो कहती है, कौन सा बॉयफ्रेंड, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ। वो कहता है, झूठ बोल रही है, ज़रूर तेरा ब्रेकअप हुआ है, कहीं वो इक्वेशन वाला लड़का तो नहीं? प्रपाई कहती है, तुझे कैसे पता चला? वो कहता है, मैं तेरा भाई हूँ इतना तो पता चल ही जाता है। चल सैड मत हो, मैं तेरे लिए दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ देता हूँ। वो कहती है, रहने दे मुझे नहीं चाहिए। तभी उसे जॉब के लिए ता का फ़ोन आता है तो वो भाग जाती है। ता और प्रपाई को फर्स्ट क्लाइंट मिल गया था तो वो थोड़ा खुश थे। फिर ता प्रपाई को वहीं रखे बॉक्सेस उठाकर ले जाने को कहता है, ये बोलकर कि ये कंपनी के फ्री गिफ्ट्स हैं। प्रपाई तो बहुत खुश होती है, बट इनफैक्ट वो गिफ्ट्स तो पूपा ने प्रपाई को भिजवाए थे। पूपा मीना की हेल्प से होलोग्राम प्रोजेक्ट को एडवांस करके डॉक्टर गोवई को सेंड कर देता है। प्रपाई भी इधर सैड थी पर मॉम को रीज़न नहीं बताती। पूपा डॉक्टर गोवई से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था तो गोवई पूछता है, तुमने स्कॉलरशिप के लिए मना क्यों किया? पूपा बता देता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड से दूर नहीं रहना चाहता। गोवई कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस बारे में डिस्कस करके बाद में बताता हूँ। इनफैक्ट गोवई को भी अपनी गर्लफ्रेंड मोमो की याद आने लगती है, तो वो एक बुक निकालता है और मोमो से फ़ोन पे कहता है, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। मॉम प्रपाई से पूछने की कोशिश करती हैं कि वो सैड क्यों हैं, बट प्रपाई फिर से बात टाल देती है, जबकि उसे पूपा की याद आ रही थी। और वो पूपा का होलोग्राम देखने लगती है। देन उसका भाई वाज लाइक, एक महीना हो गया, जिस लड़के ने तुझे ये दिया होगा ना उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड भी बन गई होगी।
पर प्रपाई उसे भगा देती है। जब मॉम बताती है कि प्रपाई तुझे कोई मिलने आया है, तो वो अपने बाल बाल ठीक करके बाहर देखती है, पर वो तो वावा थी, पूपा नहीं, तो थोड़ा सैड होती है। क्वांग फॉरन से आई थी पूपा को ये बताने कि वो तुम्हें स्कॉलरशिप दे रहे हैं और तुम बैंकॉक में रह के ही इस पे काम कर सकते हो और आगे की स्टडीज ऑनलाइन हो जाएंगी। देन पूपा वॉज लाइक चलो काम बन गया और क्वांग का थैंक यू करता है। वो कहती है तुम ऐसे हो तभी तो लोग तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए मैं भी। वो कहता है सॉरी बट मैं सिर्फ प्रपाई को लव करता हूँ, चाहे अब हो या फ्यूचर मेरा आंसर सेम ही रहेगा। वो उसे डॉक्यूमेंट देकर कहती है ये मुझे डॉक्टर गोवई ने तुम्हें देने को कहा था और चली जाती है। पूपा देखता है कि डॉक्टर गोवई ने पूपा को वही बुक भी सेंड की है क्योंकि उसी बुक को पढ़कर गोवई ने मोमो को इम्प्रेस किया था। पूपा कहता है थैंक यू मैं भी इस बुक को सही से पढ़ूंगा और आइंस्टीन के साथ साथ गोवई की फ़ोटो भी वहाँ रख देता है। प्रपाई सैड थी और पूछती है वावा क्या तुम किसी और से भी मिली? वावा कहती है तो खुद से उसे बात क्यों नहीं कर लेती, वो ज़रूर फॉरेन में अपनी पीएचडी कर रहा होगा जैसे तू चाहती है। प्रपाई कहती है फिर तो अच्छा है ना, उसका फ्यूचर बढ़िया होगा, मुझे भी उससे मूव ऑन हो जाना चाहिए। अरे ताका मैसेज आया है क्लाइंट से मिलने का, क्या तू भी चल रही है मेरे साथ? वावा कहती है वो कैसा है? प्रपाई कहती है तू खुद ही मिल लिया उससे, चिंता मत कर वो बहुत बिजी रहता है, लड़कियों से मिलने का टाइम नहीं है उसके पास। तो वावा खुश होती है। फिर वावा ता से मिलने प्रपाई के साथ आती है। उन दोनों को ऑकवर्ड देख प्रपाई क्लाइंट के बारे में बातें करने लगी थी। ता कहता है क्या तुम्हें नूना याद है? प्रपाई कहती है हाँ वो लड़की जिसे तुमने 10th क्लास में 3 महीने के लिए डेट किया था। पर वावा को देख अपने मुँह पर हाथ रख लेती है। देन तावास लाइक मेरी पूरी कहानी सुनाने के लिए नहीं कहा था, वैसे नूना ने अपना न्यू रेस्टोरेंट खोला है तो वो हम सबको बुला रही है। प्रपाई कहती है हाँ मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है, तो चलो उसे मिलने चलेंगे। ताऊ से इशारा करता है तो प्रपाई वावा को भी अपने साथ चलने को कहती है। वावा पहले तो मना करती है बट उसके बार बार कहने पे वो मान जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी ता के लिए फीलिंग्स हैं। इधर पूपा ता को फ़ोन पर कहता है क्या तू मुझे लेने आ जाएगा, मैं तेरे गाँव में हूँ। ता कहता है सॉरी यार मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अपने एक फ्रेंड के रेस्टोरेंट में हूँ, प्रपाई भी मेरे साथ है तो तू वहीं आ जाना। तो पूपा हाँ करता है। प्रपाई अपनी फ्रेंड नूना से मिलकर बहुत खुश होती है। नूना कहती है तुमने और ताने मिलकर इवेंट कंपनी खोली है ना, अच्छा है मैं और मेरा बॉयफ्रेंड शादी करने वाले हैं तो तुम दोनों इसका सारा काम संभाल लोगे? वो दोनों हाँ करते हैं। प्रपाई उससे शादी के मंडप के बारे में बातें करने लगी थी कि वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स होंगे। ता के फ़ोन पे पूपा का कॉल आ रहा था बट ता किसी और के साथ बातों में बिजी था, तो वावा ता का फ़ोन उठा लेती है। पूपा उसे लोकेशन सेंड करने को कहता है। वावा कहती है तुम प्रपाई से मिलने आ रहे हो तो मैं अभी लोकेशन भेज रही हूँ। तभी पूपा का फ़ोन पे आवाज़ आती है कि प्रपाई बोल रही थी मुझे लगता है शादी टेम्पल में होनी चाहिए। पूपा ये सुन ड्राइवर को टैक्सी की स्पीड बढ़ाने को कहता है और काफ़ी घबरा रहा था। इधर प्रपाई बोल रही थी हम बहुत बढ़िया शादी करेंगे। पूपा आकर कहता है प्रपाई तुम शादी नहीं कर सकती। प्रपाई हैरान थी, सब हैरान थे। पूपा कहता है तुम एक महीने में ही मुझे भूल गई। नूना कहती है लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, दूल्हा ये है बट दुल्हन प्रपाई नहीं मैं हूँ, हम दोनों की शादी है। तावास लाइक पूपा तू ज़रा आराम कर। पूपा कहता है सॉरी। नूना कहती है कोई बात नहीं, अगर किसी को पता चले कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है तो इतना गुस्सा तो नॉर्मल है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, प्रपाई है ही इतनी क्यूट। प्रपाई कहती है हमने ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया। पूपा कहता है मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया, तुमने खुद से ब्रेकअप कर लिया होगा। पर प्रपाई उन सबको बाय कर जाने लगी थी। पूपा और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। पूपा उसे रोकने की कोशिश करता है पर प्रपाई तो उससे गुस्सा होकर चली जाती है और पूपा को तो बोलने का मौका ही नहीं देती। ता कहता है तो अब क्या करेगा? वो कहता है मेरे पास बहुत सारे बैकअप प्लान्स हैं। क्वांग प्रपाई का लेटर पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि क्वांग जब मैं तुमसे फॉरेन में मिली थी तो मैं बहुत खुश हुई थी, तुझे पता है मुझे हमारा साथ में बिताया हुआ टाइम बहुत याद आता है, वो कितने हैप्पी डेज थे, चाहे जो भी हो जाए तो हमेशा मेरी फ्रेंड रहेगी। तो क्वांग रोने लगती है। इधर प्रपाई को देख पूपा स्माइल कर रहा था और उसके पूछने पर कहता है मैं यहाँ कुछ बाय करने आया हूँ,
तभी उसकी मॉम आवाज़ लगा के बताती हैं कि प्रपाई, मेरे फ्रेंड का बेटा आ रहा है और उसे अकाउंटेंट की ज़रूरत है। तभी वो लड़का आता है और प्रपाई से बचपन की बातें करने लगा था, पर जेलस पुपा प्रपाई से सामान मांगने लगा था और उस लड़के को घूरता है। प्रपाई उसे सामान देकर फिर से बातें करने लगी थी तो पुपा जानबूझ के उन्हें डिस्टर्ब करने लगता है। वो लड़का कहता है, क्यों ना हम दोनों किसी रेस्टोरेंट पे चलें, वहीं बात कर लेंगे ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। पुपा कहता है, प्रपाई को स्पाइसी खाना खिलाना, उसे वो बहुत पसंद है। अगर ये गुस्सा हो जाए तो इसे स्वीट्स खिलाना, इससे इसका मूड ठीक हो जाता है। वो लड़का पूछता है, तू है कौन, प्रपाई के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? पुपा कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। वो हैरान, पर मॉम और प्रपाई के भाई ने भी सब कुछ सुन लिया था। मॉम को जब पता चलता है कि प्रपाई पुपा की वजह से सैड होकर बैंकॉक से घर आई है और पुपा प्रपाई को लेने आया है, तो मॉम गुस्से से मना कर देती हैं और भाई से कहती हैं, इसे भगा यहाँ से। तो भाई पुपा को बाहर ले जाता है। उसके जाते ही मॉम प्रपाई से कहती हैं, तुझे ऐसे सैड नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लड़के हैं, एक तो वही लड़का जो अभी तुझसे मिलने आया था, अगर तुझे वो पसंद नहीं तो ता भी अच्छा ऑप्शन है। पर प्रपाई मना कर चली जाती है। वावा प्रपाई से पूछती है कि क्या तू पुपा को एक चांस नहीं देना चाहेगी? पर प्रपाई तो खुद भी नहीं जानती थी, क्योंकि वो पुपा का फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहती थी। इधर प्रपाई का भाई ता के लिए खाना लेके आया था जो प्रपाई की मॉम ने भिजवाया था, पर भाई पुपा के साथ खाना शेयर करने को मना कर देता है क्योंकि उसने ही उसकी बहन को सैड किया था। तो ताऊ से पूरी कहानी बता देता है। पुपा प्रपाई की मॉम को भी सारी बात बताना चाहता था, पर मॉम तो उसे मौका ही नहीं देनी थी। तो भाई बताता है कि उसकी मॉम को अकाउंटिंग्स यानी नंबर्स बहुत पसंद हैं, जिससे वो उन्हें इम्प्रेस कर सकता है। इधर प्रपाई की मॉम लॉटरी टिकट बाय करने वाली थी जिसके लिए उन्हें लकी नंबर चूज़ करना था। तो पुपा वहाँ पहुँच जाता है और जीनियस ब्रेन से उन्हें लॉटरी टिकट दिलवा देता है, और लकीली मॉम लॉटरी में जीत जाती हैं तो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, पुपा कितना अच्छा लड़का है, ये किसी को सेट कर ही नहीं सकता। भाई कहता है, प्रपाई तुझे भी पुपा को एक चांस देना चाहिए, पर प्रपाई वहाँ से चली जाती है। मॉम के कहने पे पुपा प्रपाई के पीछे भागता है। इधर पुपा की मॉम को आंटी से पता चलता है कि पुपा भी प्रपाई के पीछे पीछे उसके गाँव पहुँच गया है, तो हैरान होती हैं। प्रपाई अपने डैड के साथ फेस्टिवल की एडवर्टाइजमेंट करने जा रही थी, बट पुपा वहाँ पहुँच जाता है। डैड पूछते हैं कि ये कौन है, पर प्रपाई नहीं बताती। पुपा कहता है, मैं आपका अनाउंसर बन जाऊँगा, वो भी फ्री में, मुझे रख लीजिए। डैड कहते हैं, ट्रक में आगे जगह नहीं है। वो कहता है, कोई नहीं, मैं ट्रक के पीछे बैठ जाऊँगा। डैड वॉज लाइक, देख लिए, पता चल जाएगा। प्रपाई उसे जाने को कहती है, पर पुपा फिर भी ट्रक के पीछे बैठ जाता है। फिर उसके बाद झटकों की वजह से पुपा का जो हाल होता है, बेचारे की एक एक हड्डी हिल जाती है। प्रपाई डैड से थोड़ा सोच लाने को कहती है, पर जब झटके से ट्रक रुकता है, पुपा शीशे से जाके ठुक जाता है। डैड नोटिस करते हैं कि प्रपाई को पुपा की कितनी चिंता हो रही है। प्रपाई सबको फेस्टिवल में आने के लिए बोल रही थी, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। तो पुपा जाकर उसे माइक ले लेता है और वो बोलने लगा था, अब इतने हैंडसम लड़के को देख, सारी की सारी गर्ल्स भीड़ लगा लेती हैं, और जहाँ थोड़ी सी भीड़ लगती है, बाकी के लोग तो अपने आप ही वहाँ पहुँच जाते हैं। पुपा कहता है, आप सब लोग भी फेस्टिवल में आना, मैं भी अपने लवर के साथ लैंटर्न जगाऊंगा। तो सब क्लैप करते हैं। प्रपाई जल्दी से उससे माइक छीन लेती है और कहती है, क्या बोल रहे हो? पर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। ट्रक से उतरकर पुपा प्रपाई को आवाज़ लगाने लगा था, पर डैड को देख चुप हो जाता है, और फिर प्रपाई और डैड को बाय करके वहाँ से चला जाता है। डैड देखते हैं कि पुपा जाते जाते भी मुड़ मुड़ के देख रहा था। रात में प्रपाई डैड को कॉन्स्टलेशन के नाम बता रही थी, तो डैड कहते हैं, तुमने बैंकॉक में काफ़ी कुछ सीख लिया, लव के बारे में भी। वो हाँ करती है। डैड कहते हैं, मैं तुम्हारा डैड हूँ, इतना तो समझ ही सकता हूँ, मुझे नहीं पता तुम उसे दूर क्यों कर रही हो, पर इतना पता है तुम उससे लव करती हो। वो कहती है, क्योंकि मैं अपनी वजह से उसके फ्यूचर को ख़राब नहीं करना चाहती। डैड कहते हैं, तुझे पता है अगर मैं तेरी मॉम को छोड़कर बैंकॉक चला गया होता तो तू आज यहाँ नहीं होती, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सही फैसला लिया, और तेरी मॉम ने भी मुझ पर विश्वास किया, और तुझे भी उस पर विश्वास करना चाहिए, तो दोनों मिलकर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हो। मैं तुझे बस हैप्पी देखना चाहता हूँ। वो डैड को हक कर लेती है। फेस्टिवल में तार पुपा अपनी अपनी वाली को ढूंढने निकल पड़ते हैं।
पूपा प्रपाई को ढूंढ लेता है। प्रपाई पूपा से कहती है, अब से हम दोनों मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पूपा कहता है, हाँ पर मैंने प्रूव कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ रह के भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। मैं यहाँ तुम्हें यही बताने आया था कि उन्होंने मुझे फिर से स्कॉलरशिप दे दी है जिसमें मैं बैंकॉक में ही रह के रिसर्च कर सकता हूँ। प्रपाई खुश होकर उसे हक कर लेती है। फिर पूपा उसे प्यार से नेकलेस पहनाता है और कहता है, इसे अब कभी वापस मत करना। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं होलोग्राम प्रोजेक्ट कभी नहीं बना पाता, तो कभी मुझसे दूर मत जाना। वो हाँ करती है। दोनों किस करने लगे थे पर सारे लोग उन्हें ही घूर घूर कर देख रहे थे तो दोनों रुक जाते हैं। प्रपाई पूछती है, और तुम्हारी मॉम का क्या? वो कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी साइड हूँ ना। इधर वावा जो लेक के पास थी वो गिरने वाली थी, तभी ताकर उसे बचा लेता है। वो उसे देख के नर्वस होने लगती है। फिर वो दोनों साथ में कैंडल फ्लो करके विश मांगते हैं। वो पूछती है, तुमने क्या विश मांगी? वो कहता है, यही कि जो मेरे पास वाली है वो हमेशा मेरे साथ ही रहे। मुझे मेरी फर्स्ट क्लाइंट से पेमेंट मिल गई है, इससे प्रूफ होता है कि मैं किसी का ख्याल रखने के लायक हो गया हूँ। आई प्रॉमिस हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सही चलेगी। वो कहती है, फिर तो मुझे हर महीने तुमसे मिलने गाँव आना पड़ेगा। और दोनों हक करते हैं। चलो इन दोनों की भी हैप्पी एंडिंग हुई। इधर प्रपाई और पूपा भी कैंडल फ्लो करके विश मांगते हैं। मॉम प्रपाई को ढूंढ रही थी तो भाई कहता है, मॉम आप उसकी चिंता मत करिए, वो ज़रूर पूपा के साथ होगी। मॉम कहती है, वो दोनों अकेले हुए तो? वो कहता है, ऑफकोर्स होंगे, पर पूपा उसके साथ कुछ नहीं करेगा। विश्वास करो, अगर कुछ करना ही होता तो बहुत पहले कर चुका होगा। मॉम कहती है, क्या बोला तूने? वो कहता है, कुछ नहीं मॉम, वो दोनों तो कई महीने से पहले साथ में ही रहते थे ना। मॉम हैरान थी। वो कहता है, काम डाउन मॉम, आजकल साथ में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भागने लगा था पर मॉम उसे पकड़कर पीछे खींच लेती हैं और फिर पपाई को कॉल करने लगी थी। इधर पूपा के मॉम डैड भी वहीं पहुंच जाते हैं और उन्हें सुनाने लगे थे। तभी पपाई को अपनी मॉम का कॉल आता है तो मॉम कहती हैं, तुम दोनों पहले साथ में रहते थे, अगर कुछ हुआ ना तो पूपा इसका जिम्मेदार होगा। कि मॉम ये सुन लेती हैं तो उससे फ़ोन छीन कर कहती हैं, तुम कैसी मॉम हो, अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ रहने दिया। प्रपाई की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो चल पड़ती हैं। पूपा मॉम को बताता है कि उसे बैंकॉक में ही स्कॉलरशिप मिल गई, पर मॉम को लगता है कि पूपा प्रपाई के कहने पे झूठ बोल रहा होगा। इतने में प्रपाई की मॉम भी वहाँ आ जाती हैं। प्रपाई अपनी मॉम को शांत कर रही थी और इधर पूपा अपनी मॉम को रोक रहा था, पर दोनों मॉम अपने अपने बच्चों को हटाकर फाइट के मूड में आ गई थीं और एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगती हैं। पूपा और प्रपाई की तो हालत ख़राब हो रही थी, पर कुछ सेकंड घूरने के बाद दोनों मॉम पहचान लेती हैं कि वो तो फ्रेंड्स हैं और हक करती हैं क्योंकि वो कई दिनों बाद मिली हैं। पूपा और प्रपाई हैरान। दोनों मॉम एक दूसरे के बच्चों की तारीफें करने लगी थीं। प्रपाई वाज लाइक, ये क्या गजब हो गया। पूपा कहता है, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो दोनों खुश होते हैं। फिर वो दोनों साथ में फायर लैंटर्न उड़ाते हैं। वो दोनों वहीं वहीं घूमने जाते हैं जहाँ वो बचपन में खेला करते थे। हम पास्ट में देखते हैं कि पूपा प्रपाई को बचपन में प्लेन बनाना सिखाता था, पर फिर एक दिन वो गांव छोड़कर चला गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रपाई के पूछने पे ता बताता है कि पूपा तो बैंकॉक वापस चला गया, और प्रपाई को किसी क्लाइंट की शादी प्रपोजल के बारे में बताता है कि उन्हें तुम्हारा प्रपोजल बहुत पसंद आया। तभी प्रपाई को टाइम का फ़ोन आता है जो कहता है, मैंने तुमसे फ्लर्ट करने के लिए कॉल नहीं किया, तुम अब पुरानी हो गई हो, मेरी कल फैन मीटिंग है तो ज़रूर आना। प्रपाई मना करने वाली थी पर ता कहता है, वो शादी वाला क्लाइंट भी टाइम की फ़ैन मीटिंग में आएगा, तो उस क्लाइंट से मिलने के लिए प्रपाई को फ़ैन मीटिंग के लिए हाँ करनी पड़ती है। जबकि कल यानी वैलेंटाइंस डे पे वो पूपा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी तो सैड होती है। ता और वावा दोनों लवी डवी हो रहे थे तो प्रपाई पूपा को वैलेंटाइंस डे का मैसेज करती है। हैरानी की बात ये थी कि अभी तक वो शादी वाला क्लाइंट नहीं आया था। टाइम स्टेज पे गाना गाता है जो उसके फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर टाइम कहता है, अब जो मैं सॉन्ग गाने जा रहा हूँ वो मुझे किसी ने गाने को कहा है, एक लड़की के लिए। और फिर एक रोमांटिक सा सॉन्ग गाता है। तभी वहाँ स्टेज पे पूपा का होलोग्राम बन गया था जो प्रपाई की तरफ प्लेन फेंकता है, तो वो बहुत खुश हो रही थी। फिर पूपा वहाँ पर आ जाता है तो वो पूछती है, क्या तुम ही मेरे क्लाइंट हो? पूपा हाँ करता है और फिर उसे रिंग दिखाकर शादी के लिए प्रपोज करता है। वो हाँ कर देती है तो वो उसे रिंग पहना देता है
और दोनों हग कर रहे थे तो सब लोग क्लैप करते हैं। सच्ची में ये बहुत रोमांटिक प्रपोजल था। फिर क्या, फिर अपने हीरो हीरोइन की शादी होने लगती है। क्वांग भी उन दोनों को कंग्रेचुलेट करने आती है और फिर टाइम भी। शादी में टाइम लव सॉन्ग आता है और क्वांग और टाइम जैसे एक दूसरे को देख रहे थे, उससे लगता है कि उन दोनों की लव स्टोरी के भी काफ़ी चांसेस हैं। अब तो पूपा और पपाई की शादी हो गई थी तो वो दोनों बैंकॉक में साथ ही रहने लगे। जब पूपा को उसके रिसर्च के लिए अवार्ड मिलता है तो पपाई तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों गूवी का रोमांटिक ड्रामा देख रहे थे और फिर दोनों किस करने लगते हैं। फिर हम कुछ साल बाद देखते हैं उनके बेटे को जो गूवी का बहुत बड़ा फ़ैन है, और वो सब गूवी को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं क्योंकि गूवी और उनके बेटे का हैप्पी बर्थडे सेम डे आता है। बेटा गूवी से कहता है, मैं भी आपकी और डैड की तरह बड़ा होकर जीनियस साइंटिस्ट बनूंगा। गूवी उनके बेटे के लिए फ़ौरन से एक्सपेरिमेंट की चीज़ें भिजवाता है तो वो एक्सपेरिमेंट करने भाग जाता है, पर एक्सपेरिमेंट से उसके बालों का स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया था और उसका मुंह काला हो गया था, तो दोनों हंस पड़ते हैं। पर जब फिर से ब्लास्ट की आवाज़ आती है तो प्रपाई कहती है, गूवी मेरे बेटे के लिए एक्सपेरिमेंट की चीज़ें भिजवाना बंद करो, और अपने बेटे के पास भागती है। पूपा स्माइल कर रहा था, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। तब के लिए बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में।